आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, ह्यूमन रिसोर्स और मैनेजमेंट। ठीक है बेटा, देखिए ह्यूमन का मतलब क्या हुआ, लेबर, वर्कफोर्स और आपका कोई भी ऐसा पर्सन जो आपका काम कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ह्यूमन लेबर वर्कफोर्स एम्प्लॉय। ठीक है, रिसोर्स का मतलब जो हमारे स्क्वेयर क्वांटिटी में अवेलेबल है और जिससे हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। ठीक है, और मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, लोग ही पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, रिसोर्सेस चाहिए आपको, कैपिटल आपने लगा दी, अब कैपिटल जो लगाएगा वो भी कौन है, ह्यूमन है। मान लो भाई आपने बिल्डिंग खरीद ली, प्लांट खरीद लिया, मशीनरी खरीद ली, सब चीजें कर ली, उनको ऑपरेट करने वाले पर्सन चाहिए, वो कौन है, वो भी एक ह्यूमन है। ठीक है, कंप्यूटर बनाया आपने, वो भी एक ह्यूमन है, कंप्यूटर को जो ऑपरेट कर रहा है वो भी एक ह्यूमन है। तो ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को प्लान करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना, लोग ऑर्गेनाइजेशन में कैसे आएंगे, मतलब उनकी हायरिंग करना, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग करना, डेवलपमेंट करना, ताकि लोग सही तरीके से काम को कर सकें। अब जब लोग काम करेंगे तो उनकी प्रॉब्लम भी आएंगे, जब प्रॉब्लम आएंगे तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी किया जाएगा। तो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन करने के लिए कौन बनाया गया बेटा, एक पर्सन बनाया गया जो कि आपकी सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेगा। ठीक है, मान लो आपको कोई प्रॉब्लम हो गई, आप एचआर के पास जाओगे, आपकी तबीयत खराब है, आप एचआर के पास जाओगे, आपकी अपने जो कोलीग्स है उससे नहीं बन रही, आप एचआर के पास जाओगे, आप छुट्टी करोगे, एचआर के पास जाओगे, सैलरी नहीं आई, एचआर के पास जाओगे। तो एचआर क्या करता है, एचआर का काम होता है कि जितने भी आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज हैं, जितने भी पर्सन है, जितने पर्सन हमें चाहिए उतने पर्सन हमारे पास अवेलेबल हैं या नहीं है, पहली चीज तो ये देखना। दूसरा, अगर नहीं है तो उनकी हायरिंग करो, रिक्रूटमेंट करो, सिलेक्शन करो, ट्रेनिंग करो, डेवलपमेंट करो और उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल करो, ताकि टाइम टू टाइम उनको हायर किया जा सके और ये देखो कि भाई कितने लोग हमारे पास हैं, कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है और कैसे कैसे हमको काम करना है। ठीक है, तो ये जो सारा काम रहता है ये किसका रहता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का रहता है। और ये क्या है बेटा, एक बिजनेस मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बिजनेस मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। सो हम ये कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द फंक्शंस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, क्योंकि ये फंक्शंस किस लिए बनाया जाता है, बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए। ठीक है, चलिए तो इसमें मैं आपको बता दूं कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देखो बेटा, सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट यहां पर आपका लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट इसमें आपका नेचर, फीचर, ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस वगैरह वो सारी चीजें आपकी आ जाएंगी। ठीक है, इसके साथ साथ आप जो है ये रहा, देखिए यहां पर आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट, रोल, फंक्शंस, इसमें आपका जो है नेचर, फीचर, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस, वो सारी चीजें ऑलरेडी इंक्लूड हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का मतलब होता है कि जब भी हम ह्यूमन रिसोर्स को आगे अरेंज करेंगे तो उनकी प्लानिंग कैसे करेंगे, मतलब कितने लोग चाहिए, कहां से चाहिए, क्या चीज हम करेंगे, तो पहले से उनको प्लान करना पड़ता है। ऐसा थोड़ी कि आपने अमाउंट आया और लोगों को मतलब जो है अरेंज कर लिया, पहले आप पूरी प्लानिंग बनाओगे, पूरा एक सिस्टम तरीका करोगे। अगर आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग गलत है ना तो आगे का काम आपका अपने आप ही गलत हो जाएगा। जैसे हम प्लानिंग नॉर्मल हम प्लानिंग करते हैं, यहां पर हम जो प्लानिंग कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स की कर रहे हैं कि भाई कितनी क्वांटिटी में हमारे पर्सन अवेलेबल है, कितने चाहिए, कितना गैप है और कहां से लोग आएंगे, इसी चीज को तो हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बाद रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये बींग एचआर आपको जो है ये सारे फंक्शन आपको क्या करने बेटा, परफॉर्म करने। जब तक आप ये सारे फंक्शन परफॉर्म नहीं करोगे तब तक आप एचआर नहीं कहला सकते। बींग एचआर आपको एचआर प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको जो है ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, सिलेक्शन करना पड़ेगा और इसके साथ साथ आपको ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, सक्सेशन प्लानिंग, ये सारा काम आपको करना पड़ेगा। सक्सेशन प्लानिंग क्या बेटा, सक्सेशन प्लानिंग क्या है, आगे आने वाले टाइम के लिए लोगों को तैयार करना, दैट इज कॉल्ड सक्सेशन प्लानिंग। आगे जब आपको फ्यूचर के लिए तैयार करना, दैट इज कॉल्ड सक्सेशन प्लानिंग। कैसे आप करोगे, किन किन चीजों पे आप फोकस करोगे, ये सारी चीजें सक्सेशन प्लानिंग में आ जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट,
कंपनसेशन मैनेजमेंट आ जाएगा। कंपनसेशन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, जहां पे आप पैकेज डिसाइड करते हो, जहां पे ये डिसाइड करोगे कि भाई आपकी सैलरी क्या रहेगी, बोनस क्या रहेगा, कमीशन क्या रहेगा, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, किसको कितने परसेंट में मिलना है, वो सारा जो कॉन्सेप्ट है वो आपका किसका आ जाता है, कंपनसेशन मैनेजमेंट का आ जाएगा। उसके बाद मतलब सैलरी वगैरह को मतलब कि भाई किसकी सैलरी कितनी है, किसी की आवरली बेसिस पे होती है, किसी की आपकी जो मंथली बेसिस पे होती है, किसी की आपके जो पीस रेट के सिस्टम के हिसाब से होती है, तो वो सारा कौन कौन से इसमें आपको जो है लीगल प्रोविजन भी आपके सारे आ जाएंगे कि इसमें आपको देखना पड़ता है बीइंग एचआर मैनेजर आपको जो है क्या क्या किस किस की सैलरी आपकी कितनी होनी चाहिए, एडिक्वेट सैलरी आपको देनी चाहिए, पहले प्लस आपको जो है टाइमली आपको सैलरी प्रोवाइड करनी चाहिए, तो वो सारा मतलब आपको देखना। ऐसा नहीं है तीन महीने की सैलरी आपने पेंडिंग कर दी फिर आपको जो है मतलब आप सैलरी प्रोवाइड नहीं करो, तो वहां पर लीगल प्रोविजन की चीज आ जाती है आपकी। उसके बाद है जॉब इवैल्यूएशन। जॉब इवैल्यूएशन का मतलब होता है कि जो जॉब आप कर रहे हो उसको इवैल्यूएट करना। ये बेटा पर्सन का नहीं होता, ये जॉब का होता है कि मतलब आप जिस जॉब को कर रहे हैं उसके रिलेटेड वर्क कितने, मतलब जो मॉनेटरी बेनिफिट आपको मिल रहा है क्या वो आपकी जॉब के अकॉर्डिंगली सही है या नहीं है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि भाई हम अंडर पेड है, अंडर पेड मतलब हम काम ज्यादा कर रहे हैं हमें सैलरी कम मिल रही, तो वो यहां पर आपका जॉब इवैल्यूएशन में देखा जाता है, या ऑर्गेनाइजेशन हमें कम पे कर रही है, या हमारा वर्कलोड ज्यादा है उसके अकॉर्डिंगली हमारी सैलरी कम है, ठीक है, हमारी क्वालिफिकेशन ज्यादा है उसके अकॉर्डिंगली हमारी सैलरी कम है, मेरे बराबर वाले की सैलरी इतनी है मेरी सैलरी इतनी है उसमें डिफरेंस क्यों, जबकि ये भी फ्रेशर है मैं भी फ्रेशर हूं तो डिफरेंस क्यों, एक मेल की सैलरी कम है फीमेल की सैलरी ज्यादा है क्यों, तो वहां पे कई बार हमें ऐसा लगता है ना कि भाई डिस्पैरिटी है, डिफरेंस है, वो डिफरेंस जो है क्यों है वो आपका यहां पर आ जाता है। उन चीजों को दूर करना कि भाई जिसमें आपको लगता है कि भाई आपकी वजह से कोई डिससेक्शन आपके नहीं होनी चाहिए, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन हमें अंडर पे कर रही है, अंडर पे कर रही है तो क्यों कर रही है, आप एचआर से जो सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आता है आपका इंसेंटिव एंड फ्रिंज बेनिफिट, व्हाट आर द बेनिफिट दैट विल कंपनी विल ऑफर यू, इसमें आपके फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो सकते हैं, आपके नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो सकते हैं, और आपके अदर बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। अदर बेनिफिट्स बोले तो लाइक आपको लंच फैसिलिटी दी जा रही है, आपको जो है रहने की फैसिलिटी दी जा रही है, आपको कई बार आपको जो है रूम फैसिलिटी भी आपको दी जाती है, इसके अलावा आपको जो है आने जाने का कन्वेंस आपको दिया जाता है, इसके अलावा आपको जो है और मतलब जो है ब्रेकफास्ट वगैरह ये चीजें कई बार आपको ऑफिस में दी जाती है, ठीक है, और भी कई सारी फैसिलिटीज है, हो सकता है कि भाई आपको जो है लैपटॉप आपको दिया, फोन आपको दिया, कई बार ऐसी फैसिलिटी भी आपको दे देती है, भाई ऑफिस से एक फोन मिला हुआ होता है कि भाई उससे कॉलिंग करनी है तो आप ऑफिशियल नंबर से ही करोगे, आप अपना पर्सनल नंबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, ठीक है, कई बार ऐसा हो जाता है आप पता चले भाई मैंने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी मेरे पास अभी भी कॉल आ रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करती है अपना लैपटॉप देगी, अपना जो है आपको मोबाइल फोन देगी और आने जाने की आपको फैसिलिटी देगी, और भी आपको जो हो सकता है कि आपको अदर फैसिलिटीज भी आपको दे रखे हैं, ठीक है, जो हाई प्रोफाइल के जो लोग होते हैं उनको रहने के लिए घर देगी और आपको जो है मेड और सर्वेंट वगैरह ये सारी जो फैसिलिटी है वो सारी आपको देगी। तो वो कौन कौन से बेनिफिट किस किस को दिए जाएंगे, उनकी कॉस्ट क्या आ रही है, वो सारी चीजें देखनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसमें परफॉर्मेंस अप्रेजल तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, उसका नेचर क्या है, फीचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, और उसके मेथड्स क्या क्या है। परफॉर्मेंस अप्रेजल के कुछ आपके ट्रेडिशनल मेथड है, कुछ आपके मॉडर्न मेथड है, इसमें आपको जो 360 डिग्री अप्रेजल पढ़ना ही पढ़ना है। एक चीज और इसमें नोट डाउन कर लो जो सिलेबस में मेंशन नहीं है बट आपको पढ़नी है, वो है आपके एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द, देखो एमबीओ कई सारे कॉन्सेप्ट में आता है, एमबीओ जो है आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी आएगा, ओबी में भी आएगा, बिजनेस मैनेजमेंट में भी आता है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट इसमें ऐसा है जो और इसमें नहीं है, दैट इज योर जॉब एनालिसिस, लेकिन उसमें से क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस में आपके नहीं है, जो मैनेजमेंट वाले हैं उनके उसमें मिलेगा लेकिन कॉमर्स वाले बच्चों के में नहीं मिलेगा, तो इसमें आपको जो है लेकिन कॉमर्स मैनेजमेंट दोनों को पढ़ना है, इसी में आपका जो आ जाएगा जॉब एनालिसिस में आपको जो है जॉब डिस्क्रिप्शन आ जाएगा बेटा, और इसी में आ जाएगा आपका जॉब स्पेसिफिकेशन, तो ये भी पढ़ना है आपको, जॉब डिस्क्रिप्शन भी पढ़ना है, ये चीज पढ़नी है। एक इसमें और चीज ऐड करना, जॉब डिजाइन मतलब आपको जो है जॉब को जब आप डिजाइन करते हो ना, इसमें आपका जॉब रोटेशन और आपका वर्क सिंप्लीफिकेशन, जॉब एनरिचमेंट, जॉब एनलार्जमेंट, वो सारा जॉब डिजाइन में आता है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आता है, सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन इसमें से ये चीजें आपकी आती है। तो दो चीजें ऐसी हैं ये जो आपको और ऐड करनी है, और जो मैंने आपको बताया एमबीओ वाला, एमबीओ को भी डिटेल में पढ़ना है और आपको 360 को भी डिटेल में पढ़ना है, आपके में तो ये मेंशन है ही है ये सारी चीजें, तो आपको तो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि भाई और क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, आपके में मेंशन नहीं है लेकिन फिर भी आपको पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन इसमें से आता है। कई सारी चीजें जैसे मैंने आपको बताया ना, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कॉमर्स में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ चीजें हैं जो कि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है बट फिर भी आपको कवर करनी है, ठीक है। ये वाले जो यूनिट है मैनेजमेंट वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली यूनिट है, क्योंकि मैनेजमेंट में कम से कम 1.5 यूनिट आती है और कॉमर्स में तो आपकी पूरी सेपरेट यूनिट है ही है, ठीक है, तो उसके हिसाब से मतलब जो है चीजें आपको तैयार करनी है।
ठीक है, सिलेबस समझ आ रहा है क्या क्या पढ़ना है। अच्छा, बींग एचआर मैनेजर यही सारे आपके फंक्शंस भी हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, ट्रेनिंग करना, डेवलपमेंट करना, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करना, प्लानिंग करना, जॉब एनालिसिस करना, और आप रिक्रूटमेंट करो, सिलेक्शन करो, ट्रेनिंग करो, डेवलपमेंट करो, ओरिएंटेशन दो, प्रेजेंटेशन दो, और आपके लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप हैंडल करो, वो सारा काम आपका इसमें रह जाता है। देखो पहले का सिनेरियो अलग था, आपका सिनेरियो अलग है। धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें चल रही हैं, लोगों का जो अब ना, आजकल पहले क्या था कि एक पहले ना कंपनी ह्यूमन को एज अ टूल मानती थी, भाई ये मशीनरी है, काम करवाओ, पैसा दो, दैट्स इट। भाई आप आ रहे हो, फ्री में थोड़ी आ रहे हो, पैसा दे रहे हैं, काम करवा रहे हैं, दैट्स इट, पैसा लो, काम करो, पैसा लो, बस। इसके अलावा बाकी चीजें कोई वो नहीं है। आज के टाइम में सिनेरियो क्या है बेटा, आज के टाइम में सिनेरियो ये है कि ऑर्गेनाइजेशन आपको लेकर तो आती है, लेकिन उसके साथ साथ ना उससे भी ज्यादा कहीं मुश्किल होता है आपको लॉन्ग टाइम के लिए बाउंड करके रखना। क्या करना? हाँ, बेनिफिट तो देखो ऑर्गेनाइजेशन देगी देगी, इसके अलावा आपको ना और भी चीजों से कनेक्ट कर देगी, जैसे सोशली कनेक्ट कर देगी आपको, जो है हर उस पे प्लेटफॉर्म पे आपको कनेक्ट करेगी, डिसीजन मेकिंग में आपके हेल्प करेगी, कम्युनिकेशन करेगी आपके साथ में, आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेगी। बेटा आपको मेंटली स्ट्रेस तो नहीं है, और आपको जो है सारी चीजें, मतलब आपको जो है आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जो है काम करो। जैसे गूगल जैसी कंपनी है अपने एम्प्लॉय का बहुत ध्यान रखती है, वर्किंग एनवायरमेंट इतना बढ़िया दिया जाएगा आपको कि बहुत बढ़िया, मतलब आपको वर्किंग एनवायरमेंट को लेकर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, इंटीरियर को लेकर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आने जाने को लेकर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ऐसी सारी फैसिलिटीज क्रिएट करना कि मतलब इंप्लॉई आपसे हटके किसी और के बारे में सोच ही ना पाए, क्योंकि जब आप सेटिस्फाइड हो गए तभी तो आप काम कर पाओगे। अगर आपके दिमाग में टेंशन चल रही है, मतलब आपका माइंड जो है स्टेबल नहीं है, कहीं का काम कहीं करोगे तो इसमें हमारा नुकसान है बेटा, ऑर्गेनाइजेशन का, आपका तो जो है वो है लेकिन आपकी वजह से हमारा नुकसान है। जिन लोगों को आप हैंडल कर रहे हो उनसे आपकी कंप्लेंट आएंगी, भाई वो लोग ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, तो भाई हमारा जब टारगेट अचीव नहीं होगा तो हमारे लिए दिक्कत आ जाए। आपके लिए तो दिक्कत है ही है, उससे कहीं ज्यादा हमारे लिए दिक्कत है। ठीक है, तो ये चीजें हमें जो है यहां पर देखनी पड़ती है कि कौन कौन से टास्क रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप इसमें पूरी करोगे। ठीक है, तो देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, ये मैंने आपको बता दिया। भाई ह्यूमन का मतलब क्या हुआ, कोई भी स्किल्ड लेबर, ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ये चाहते हैं कि हमारे पास क्या हो, एक ह्यूमन, एक स्किल्ड, मतलब हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि स्किल्ड लेबर रहेगी तभी वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी। अगर मान लो जैसे मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था ना, हमारे यहाँ की लेबर में और चाइना की लेबर में बहुत जमीन आसमान का अंतर रहता, क्यों, हम जो है एक एक नोट बिनते हैं वहां पे, कट कट मतलब जो है एक मिनट में मतलब जो सारा काम कर देते हैं, तो वहां की जो लेबर है वो बहुत ज्यादा स्किल्ड है, वहां के जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा स्किल्ड है, वहां के लोगों को टाइम की इंपॉर्टेंस पता है, और हमारे यहाँ के लोगों को टाइम की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है। ठीक है, तो रिसोर्स मैंने आपको बता दिया, मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया, इसमें एक चीज और लिख लो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फादर हम किसको मानते हैं, किसको मानते हैं बता, एल्डन मायो। एल्डन मायो ने कोई और भी अप्रोच दी थी, कौन सी, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, या जिसको हम बोलते हैं बिहेवियरल अप्रोच में ही आती है ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, या उसको हम बोलते हैं हॉथरोन स्टडी। वो हॉथरोन स्टडी भी ह्यूमन से रिलेटेड थी, सोशल से रिलेटेड थी, और यहां पर भी इन्होंने क्या करा, एल्डन मायो को हम क्या मानते हैं, फादर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मानते हैं। इन्होंने बोला कि जो ह्यूमन है आपके लिए क्या है बेटा, एक रिसोर्स है आपके लिए, एक कैपिटल है, क्योंकि आपने अगर ह्यूमन के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया तो इसका मतलब आपने जो है एक लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट है। अब जैसे आपके जो पेरेंट्स हैं बेटा आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, क्यों इन्वेस्ट कर रहे क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके ऊपर इसमें क्या है कि जैसे मान लो आपको लॉन्ग टाइम, ताकि आपको कल को जो है आप अपने पैरों पे खड़े हो सको और आपको किसी और के सहारे की जरूरत ना पड़े। भाई आप ये जो हम पैसा लगा रहे हैं आपके ऊपर, ये किस लिए लगा रहे हैं, आपके फ्यूचर के लिए लगा रहे हैं, ताकि आप एक स्किल्ड पर्सन बन सको और आप एक अच्छे उसकी तरह आप काम कर सको। करते हो नहीं करते दैट इज ए डिफरेंट मैटर, बट एक तरीके से आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट है ना। भाई अनपढ़ रह जाते तो क्या करते हैं, अब कौन सा कर रहे हो। ठीक है, देखो अब वो पहली बात है कि कम से कम एटलीस्ट हम अपने बच्चों को तो पढ़ा सकते हैं, उनके जो सिलेबस है होमवर्क जो है वो तो कम से कम देख सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो वही चीज है कि भाई आगे फ्यूचर में कल को मान लो भाई आप जो है इतनी जो स्किल्स जो आप ले रहे हो ना बेटा, ये जो कल को भाई आप इतनी कैपेबल आप हो जाओगे कि कल को अपने पैरों पे आप अपने स्किल्स के बेसिस पे खड़े होगे, वैसे कोई नहीं पूछेगा आपको, लेकिन आपके अंदर जो क्वालिटीज है ना, जो कैलिबर है आपके, जो स्किल्स है बेटा, स्किल्स की जरूरत होती है। हम जैसे जैसे मेहनत करते हैं ना हमारा स्किल्स बोलते हैं, आपके स्किल्स की डिमांड होती है, बाकी चीजों की कोई डिमांड नहीं है, आपके शरीर की कोई डिमांड नहीं है, स्किल्स चाहिए। हाँ,
आपको जो है आजकल देखो आज के टाइम में आपके अंदर स्किल्स होने चाहिए, हाउ फास्टली यू कैन डू, हाउ स्मार्टली यू कैन डू, हाउ क्रिएटिव यू कैन डू। तो मैं एक मैंने कल एक वो देखा था कि एक एक बच्चे को ना स्कूल में मतलब जो है वो बच्चा ड्राइंग कर रहा था कहीं पे और उसको स्कूल से निकाल दिया, बोला कि भाई तुम जो है दीवारें गंदी कर देते हो और समथिंग लाइक दैट, उसको स्कूल से निकाल दिया। एक रेस्टोरेंट ने उस बच्चे को हायर करा, ठीक है, और उस बच्चे को बोला कि बेटा दीवारें पेंट कर दे, दीवारों पे डिजाइन बनाओ। और उसने मतलब बहुत क्रिएटिविटी के साथ में मतलब जो है बच्चा ऑब्वियस बात है कि बच्चे तो क्रिएटिव होते हैं, उसने मतलब जो है स्केच से और उसमें कलर से मतलब जो अलग अलग उसमें जो है दीवारों पे वो बना दिया। एक तो रेस्टोरेंट ने भाई काम जो करा वो तो करा मतलब कोई वही वाली बात है ना कि क्रिएटिविटी की कोई एज नहीं होती है, कोई पर्सन कहीं पर भी क्रिएटिव हो सकता है। तो उसमें वही वाली बात है कि मतलब अब वो जो उसने क्रिएटिव मतलब आपका दिखाया, अब ऐसा तुम पैसा देकर के काम देकर भी मतलब स्किल लेबर को भी हायर करोगे ना तब भी वो उतनी क्रिएटिविटी नहीं दिखा पाएगा जितनी उस बच्चे ने दिखा दी। तो बेटा क्रिएटिविटी की कोई एज नहीं होती है, कोई भी पर्सन कहीं पर भी क्रिएटिव हो सकता है, कैसे भी क्रिएटिव हो सकता है। अब अपना जो पैशन है ना, पैशन जो है वो हमेशा अपना कंटिन्यू रखना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर ये कहता है कि भाई आपका जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसमें आपको जो है लोगों से काम करवाना है, लोगों के साथ में आपको रिलेशन मेंटेन करके रखने हैं। अब आप कैसे मेंटेन करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि भाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट ऑफ द कंसर्न विद द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जितने भी ह्यूमंस हैं उनको कंसर्न करना, इसमें उनकी हायरिंग से लेकर और जब तक वो चले नहीं जाते तब तक का जो सारा काम रहता है, उनकी हायरिंग, उनको मोटिवेट करना, उनको मेंटेन करना, उनको सस्टेन करना, उनको ये फील कराना कि भाई आप एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज हो हमारे लिए, आप हो तो हम हैं, और अगर आप नहीं हो तो भाई आपके बिना हमारा कोई काम नहीं है। भाई ह्यूमन ही नहीं रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन को कौन पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ह्यूमन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जितने स्किल्ड आपके पर्सन रहेंगे, जितने मोटिवेटेड आपके पर्सन रहेंगे, उतना ही आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो गुडविल आपकी बढ़ने वाली है, समझ रहे हो इस बात को। तो ऐसे ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ कि इट डील्स विद द इशू रिलेटेड टू एम्प्लॉय, जो भी लोगों के साथ में प्रॉब्लम है, चाहे वो सैलरी को लेकर हो, चाहे वो वर्किंग कंडीशन को लेकर हो, चाहे वो आपको जो है अदर बेनिफिट्स को लेकर हो, आपकी प्रमोशन को लेकर हो, आपके जो है कंपनसेशन को लेकर हो, और भी कोई प्रॉब्लम अगर आपकी होती है, चाहे वो मोटिवेशन को लेकर हो, चाहे वो डिसीजन मेकिंग को लेकर हो, इन सारी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट करना किसका काम होता है, एचआर मैनेजर का काम होता है। हाँ, आपको जो है इन पर्सन में वो सारी कैपेबिलिटीज होती हैं कि लोगों को एंगेज करके रखना, उनको एंटरटेन करके रखना। अब आपको ऐसा लगता होगा एचआर करता क्या है, आता है बैठता है और चला जाता है, लेकिन इनके सर पे एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, बहुत बड़ा बोझ रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी इंप्लॉई डिससेटिस्फाइड नहीं रहना चाहिए। तो सबसे पहले क्या आपके एचआर कूद कूद के आते कि बेटा आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है, चलो रंगोली बनाओ, है ना। तो ये सारे जो काम होते हैं ना, आपको सब लोगों को एंगेज करके रखना, कोई भी पर्सन किसी से डिससेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, आपकी बॉस से नहीं बन रही, बॉस की आपसे नहीं बन रही, तो वो आपके भी काउंसलिंग करेगा, आपके बॉस की भी काउंसलिंग करेगा, वो सब लोगों से मतलब जो आपको जो है जो भी बीच का रास्ता होगा वो निकाला जाएगा। अब वो सोचता है दो बॉस बॉस की आपस में नहीं बन रही तो उनका भी सॉर्ट आउट करेगा। तो यहां पर ये सारा मतलब उनको मोटिवेट करना, उनको कम्युनिकेट करना, उनको लीडिंग करना, उनको डायरेक्टिंग करना, ये सारा जो काम होता है वो सारा किसका होता है, एचआर मैनेजर का होता है। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि इट एंश्योर द सेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉई एंड मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय टू द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। एक ऑर्गेनाइजेशन में आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, वो कैसे होगा, जब आप सेटिस्फाइड हो, और सेटिस्फाइड कब होगे, जब आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। भाई मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे सैलरी नहीं मिल रही है, भाई वो प्रॉब्लम मेरी सॉर्ट आउट करो ना, तब मैं सेटिस्फाइड फील करूंगा। भाई मेरी प्रॉब्लम है कि जो मुझे यहाँ पे जो सिटिंग एनवायरमेंट है, जो सिटिंग एरिया है, वो मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो ठीक है भाई आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाएगा। अब आप कैसे, आपको बॉस पसंद नहीं आ रहा कोई बात नहीं, आप जो है एचआर को बताइए कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम, अगर आपके जेन्युइन प्रॉब्लम है तो भाई आप जेन्युइन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए। भाई कोई लेडी है जिसको ये लग रहा है कि भाई आपको जो है भाई आप अपने घर को और ऑफिस को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो ऑल्टरनेट ढूंढा जाएगा, सॉर्ट आउट किया जाएगा। अब आधे से ज्यादा टाइम अगर आप ऑफिस से छुट्टी ले लेके जाते रहोगे तो ऐसे तो आपका आपका भी शेड्यूल डिस्टर्ब हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का भी शेड्यूल डिस्टर्ब हो रहा है। तो भैया तो आप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दो, भाई एक तरीका हो सकता है, या तो भैया ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दो या फिर भैया आप काम देख लो। काम का मतलब काम, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ऑर्गेनाइजेशन। हम बीच का रास्ता निकाल लेंगे, भाई आपको भी नुकसान ना हो, हमारा भी नुकसान ना हो, तो बीच का रास्ता हम लोग निकाल लेंगे।
ठीक है। तो आपके प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करना है, ये सारा जो काम होता है किसका होता है, एचआर मैनेजर का रहता है। इसमें आपको देखना कि भाई एक दो डेफिनेशन इन्होंने दी है, क्या बोला है, जैसे स्टोरे ने बोला है, क्या बोला कि भाई आपका जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है इज टू डिस्टिंक्टिव प्रोसेस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट। एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट का मतलब लोगों को हायर करना, उनको जो है ट्रेन करना, उनको डेवलप करना, और उसके साथ साथ मतलब जितने भी वर्कफोर्स है उनको कैसे एंगेज करके रखना है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इसके बाद आपका जो है आर्मस्ट्रांग ने ये डेफिनेशन दिया कि भाई आपका जितनी एक स्किल्ड लेबर आपकी रहेगी उतना ही ज्यादा आपके लिए जो बेनिफिशियल रहेगा, उतना ही ज्यादा आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हो। एक स्किल्ड लेबर हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसोर्स होती है। कहते हैं औलाद तो बेटा सबकी होती है, लेकिन अगर एक ढंग की औलाद हो ना तो उस पर माँ बाप फक्र कर सकते हैं। ऐसे तो वही वाली बात है कि औलाद तो ऐसी भी होती है जो माँ बाप को मतलब माँ बाप को दुखी करके रखती है। तो वही वाली बात है कि भाई इसमें फिर जो है चीजों को थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि भाई किस किस तरीके के आप पर्सन है, कैसे कैसे मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग रिक्वायरमेंट है और अलग अलग समस्याएं हैं, उन चीजों को सॉर्ट आउट करना कि भाई आप जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो भी लोगों की प्रॉब्लम को भी हैंडल करना पड़ेगा। भाई प्रॉब्लम भी आएंगे, ऑब्वियस सी बात है प्रॉब्लम आएंगी, जब प्रॉब्लम आएंगी तो उनको सॉर्ट आउट भी करना पड़ेगा। आप सॉर्ट आउट कैसे करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए इसके बाद जीआरटी की एक डेफिनेशन है, इन्होंने क्या बोला, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द ऑब्टेनिंग एंड मेंटेनिंग द सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स, ठीक है। इस डेफिनेशन को आप लिख लीजिए, कई बार ये चीजें पूछ ली जाती हैं कि मतलब इन्होंने क्या बोला कि भाई जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करती है तो क्या कहती है कि भाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करता है, ऑब्टेन करता है और मेंटेन करता है सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। मतलब जब भी एक ह्यूमन काम करेगा तो उसको सेटिस्फाइड करना, उसकी प्रॉब्लम को जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, ये किसका काम होता है, ये एचआर मैनेजर का काम रहता है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए एक फिलिपो की डेफिनेशन है, क्या बताया इन्होंने, इन्होंने बताया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज टू प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग ऑफ द प्रोक्योरमेंट डेवलपमेंट कंपनसेशन इंटीग्रेशन मेंटेनेंस एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड दैट रिजल्ट इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटल ऑब्जेक्ट अकम्प्लिश। देखो ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को आप मेंटेन तो करोगे करोगे, उनको मोटिवेट करना, उनको कम्युनिकेट करना, उनको हायर करना, ट्रेन करना, डेवलप करना, ये सारा काम आपका है ही है। इसमें आपको तीन चीजों का ध्यान रखना, पहला इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव पूरा होना चाहिए। आपका जो ऑब्जेक्टिव होते हो तीन लेवल पे होते बेटा, यस और नो, कौन कौन से लेवल पे? एक होता है आपका इंडिविजुअल लेवल पे, एक होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, और एक होता है आपका ग्रुप लेवल पे। आपको इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव भी पूरे करने हैं, आपको ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव भी पूरे करने हैं, और आपको ग्रुप के ऑब्जेक्टिव भी पूरे करने हैं। देखो आपको ऑर्गेनाइजेशन में जब भी आप काम करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा आपको यह बताती है कि आपको इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव तो करने ही करने हैं, लेकिन साथ में आपको टीम में काम करना है, ठीक है। टीम में काम क्यों करना है, ऑर्गेनाइजेशन ऐसा क्यों कहते हैं कि भाई आप टीम में काम करो, आप फास्टली आप काम कर सको और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आसान हो सके। जैसे भाई 5-7 लोग हैं, भाई इंडिविजुअल पढ़ाऊंगा तो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा, अब 5-7 लोगों को मैं इकट्ठे करके पढ़ा रहा हूं तो मुझे कम टाइम लगेगा। और आप लोग भी अब वही वाली बात है कि किसी कोई प्रॉब्लम है, किसी कोई चीज है, तो उनको जो है एक साथ आपका सॉल्यूशन हो जाता है। मुझे एक बार बताना है आप सब लोग समझ जाओगे, जो क्वेरी है आप सब लोग की एक साथ हैंडल हो जाएगी। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि भाई आपका जो काम है वो किसमें होना चाहिए, टीम में होना चाहिए। अलग अलग पढ़ोगे कम कर पाओगे, लेकिन इकट्ठा करोगे ज्यादा चीजें कर पाओगे, ठीक है। अब जैसे मान लो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एचआरएम के मैंने इतने सारे टॉपिक बनाए, मैं एक एक टॉपिक सबको बांट दूं और बोल दूं भैया अपना अपना एक एक टॉपिक तैयार करके आओ, एक एक टॉपिक तैयार कर सकते हो, इससे पूरी एचआरएम कवर हो जाएगी आपके। ग्रुप में टास्क भी आपका हो गया, आपको जो आता है वो सबको बता दो, भाई अपने अपने लेवल पर सब लोग मेहनत करो, टीम का भी टारगेट पूरा करना है आपको, इंडिविजुअल का भी टारगेट पूरा करना है। तो ऐसा ही तो होता है ऑर्गेनाइजेशन में, यही सब चीजें चलती हैं कि जब आप टास्क पूरा करते हो तो आपको इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव भी पूरा होना चाहिए। आप मैनेजमेंट से जाके पूछते हो मेरा क्या फायदा है, भाई मेरा करियर कहां है, भाई मैं इस लेवल पे हूं, यहां से मेरी ग्रोथ कहां है, तो एचआर आपको बताएगा कि भैया अभी आप इस लेवल पे हो, जब आप टास्क करोगे परफॉर्मेंस दोगे तो आप कुछ टाइम के बाद यहां पर आ जाओगे, उसके बाद आप यहां पर आ जाओगे, उसके बाद आप यहां पर आ जाओगे, लेकिन मेहनत करोगे तब। एचआर आपको बताता ना करियर पाथ, आपको बताता है कि भाई आप किस लेवल पे हो और यहां से आप इस लेवल तक कैसे जाओगे, ठीक है। अब जैसे आप कल को मान लो आप जो है किसी ना किसी कॉलेज में पढ़ाओगे,
चाहे आप गवर्नमेंट में पढ़ाओ चाहे आप प्राइवेट में पढ़ाओ, जब हम टीचिंग लाइन में ही आ गए तो ऑब्वियसली बात है आज नहीं तो कल हमें पढ़ाना ही पढ़ाना है, ठीक है। अब देखो पहले जब आपकी रिक्रूटमेंट होगी वो कहां पर होगी बेटा, असिस्टेंट प्रोफेसर। अगर आप परफॉर्मेंस अच्छी देते हो तो भाई असिस्टेंट प्रोफेसर थोड़ी रहोगे, कुछ टाइम के बाद आपके प्रमोशन होगी, प्रमोशन में आप परफॉर्म करोगे तब आपकी प्रमोशन होगी। अगर परफॉर्म नहीं करोगे तो आपको बोल दिया जाएगा भाई मैडम या तो भाई आप इंप्रूवमेंट कीजिए, भाई जैसा हम चाह रहे हैं जैसे आपकी परफॉर्मेंस है वैसा आपका काम नहीं चलेगा, आपको इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। आप अपने स्किल्स को इंप्रूव कीजिए, चीजों को बढ़ाइए, फिर आप जो है अपने प्रोफेसर पे पहुंच जाओगे, प्रोफेसर से आप जो है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे। तो इस तरीके से चीजें हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा ये चीजें चलती रहती हैं। आप उनसे पूछ सकते हो कि भैया हमारा करियर पाथ क्या है, हम ऑर्गेनाइजेशन जैसे वो पूछते हैं ना आपसे कि व्हाई शुड आई हायर यू, तो आप अपनी कैपेबिलिटीज बताते हो। ऐसे ही आप एचआर से पूछ सकते हो व्हाई शुड आई ज्वाइन यू, तो वो अपनी कैपेबिलिटीज बताएगा कि भाई हम आपको ये फैसिलिटीज देंगे, हम आपको ये अपॉर्चुनिटी देंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो करने की। तो ये सारी चीजों को समझना ये किसका काम होता है, एचआर का काम होता है, ठीक है। चलिए अब नेचर की बात कर लेते हैं कुछ। नेचर क्या रहता है इनका, सबसे पहली चीज जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है किस पे बेस्ड होती है, प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है। कुछ एचआर के भी कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिस पे हमें काम करना है, तो इट इज बेस्ड ऑन द सर्टेन प्रिंसिपल, क्योंकि पूरी मैनेजमेंट क्या है प्रिंसिपल पे बेस्ड है, नॉर्म्स पे बेस्ड है। दूसरी चीज इट पॉलिसीज कंट्रीब्यूट द अचीवमेंट ऑफ द गोल एंड ऑब्जेक्टिव, जितनी भी पॉलिसीज हैं जितने भी नॉर्म्स हैं किस लिए बनाए जा रहे बेटा, इसलिए बनाए जा रहे ताकि आपके जो गोल है ताकि आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरे हो सके। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, इट इज अ परवेसिव फंक्शन, परवेसिव बोले तो मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन में आपको एचआर मैनेजर चाहिए ही चाहिए। पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए आप क्या करोगे भाई, पर्सन तो हर जगह है ना भाई, आप चाहे लोअर लेवल पे बात करो तब भी आपके लोग ज्यादा है, अगर आप कम लेवल ऊपर के बात करोगे तब भी लोग हैं भाई, उनके सबके तो कोई ना कोई तो हायरिंग करता होगा भाई। आपको क्या लगता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कोई हायरिंग नहीं करता, कोई ना कोई तो हायरिंग करेगा ना, उनकी भी हायरिंग करी जाएगी, आपकी हायरिंग अलग होगी उनकी हायरिंग अलग होगी, लेकिन पर्सन तो वो भी है ना, प्रॉब्लम तो उनके भी होंगे। आपको क्या लगता है बड़े लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, मुझे लगता है बड़े लेवल पे और ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब आपको लगता होगा भाई इनकी क्या है, इनका कोई सरदर्दी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि भाई उनकी सरदर्दी हम लोगों से कहीं ज्यादा होती है भाई, हमें तो फिर भी पता भाई इतना ही काम है, उनको तो पूरी कंपनी संभालनी है भाई, कंपनी में सेल नहीं आ रही तब उनसे पूछा जाएगा, कंपनी का प्रॉफिट नहीं आ रहा तब उनसे पूछा जाएगा, कंपनी की इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही तो उनसे पूछा जाएगा, इन्वेस्टमेंट फेल हो गई तब उनसे पूछा जाएगा, डिविडेंड नहीं दिया गया क्यों नहीं दिया गया, लेबर आपकी जो काम नहीं कर रही वो क्यों नहीं काम कर रही, तो वो सारा मतलब जो उनकी जिम्मेदारी हो जाती है, वो सारा मतलब सब लोगों को कोऑर्डिनेट करना, ठीक है। तो यहां पर ये चीजें आपके आ जाती हैं। इट इज पीपल ओरिएंटेड, पर्सन जो आपको पीपल ओरिएंटेड क्यों है, पीपल ओरिएंटेड हमारा इसलिए है कि भाई आप जो काम कर रहे हो, जो मैं हूं वो भी एक ह्यूमन हूं और जिसको मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूं वो भी क्या है, एक ह्यूमन है, ठीक है। इस तरीके से चीजें हमारी चलती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है, क्यों देखो जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो भाई आपके ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करी, आपने रिक्रूटमेंट करा, सिलेक्शन करा, ट्रेनिंग करा, डेवलपमेंट करा, परफॉर्मेंस अप्रेजल करा, फिर आपको जो है भाई एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई आप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाओगे, जाओगे ना ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के, ऐसे फिर क्या होगा भाई आपकी जगह खाली हो जाएगी, फिर हम दोबारा से ये काम करने लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि एक बार आपने काम कर दिया उसके बाद आपको काम नहीं करना है, ये चीजें कंटिन्यूटी में चलती रहती है, आप आते हो तब से लेकर जब तक आपको छोड़ के नहीं चले जाते तब तक ये चीजें चलती रहेंगी। जब तुम नहीं थे तब भी ऑर्गेनाइजेशन चल रही थी, तुम नहीं रहोगे तब भी ऑर्गेनाइजेशन चलेगी ना, तो बस वही चीजें उसको मेंटेन करके आपको रखना पड़ेगा। यही कॉन्सेप्ट हमारा पहले भी था, यही कॉन्सेप्ट हमारा आज भी है कि लोगों को हायर करो, ट्रेन करो, डेवलप करो, सिखाओ, पढ़ाओ, आगे लेवल पे भेजो उनको, और फिर उसके बाद जब उनकी पोजीशन खाली हो जाएगी दोबारा से नए लोगों को रिक्रूट करो, हमें नए लोगों की जरूरत है तो आप जो है उन और पर्सन को आप रिक्रूट करो, ट्रेनिंग करो, जो काम आपके साथ किया वो नए लोग आएंगे उनके साथ भी वही काम करना है, उनको ट्रेनिंग करना, डेवलपमेंट करना, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, उनके सक्सेशन प्लानिंग करना, उनको जो है आगे मतलब काम सिखाना, उनको ट्रेन करना, उसके बाद उनको प्रमोट कर देना। अगर भाई ठीक है भाई ऑर्गेनाइजेशन में कोई पर्सन छोड़ के चले, आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, आप जो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाओ, बहुत से लोग आते हैं छोड़ के चले जाते हैं, आते छोड़ के चले जाते हैं, तो ये काम हमेशा लगा रहता है, ठीक है। ऐसे ही ये क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस फंक्शन, इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ये मैंने आपको बता दिया। बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होता है।
अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट नहीं करोगे, आपको यही नहीं पता कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितने लोग चाहिए, किस डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं, कितने लोग की जरूरत है, कब तक काम करेंगे, कब तक काम नहीं करेंगे, तो आप कैसे काम चलेगा भाई। पर्सनल का रिकॉर्ड आप मेंटेन कर करो, आप ये देखो कि कितने लोग हैं, कितने लोग की हमें जरूरत है, कितने लोग और हमें रिक्रूट करने, तो ये तो सब देखोगे ना, किस पोजीशन के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या स्किल्स चाहिए, क्या कैपेबिलिटीज चाहिए, ये सब तो आप अंडरस्टैंड करोगे नहीं करोगे, एचआर का यही तो काम है। उसके बाद आपका एचआरएम एम टू एच सिक्योरिंग मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, हम ये चाहते हैं कि आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हो। अच्छा एक चीज याद रखना, एचआर कभी भी आपसे जो है ये नहीं चाहेगा कि आप जो है खाली बैठो, भले चाहे आपको रंगोली बनवानी पड़े उससे, पर वो आपसे जो है काम करवाएगा। आप कभी भी उसको ये नहीं कह सकते कि सर हम खाली बैठे, वो खाली बैठने नहीं देगा आपको, आप ये काम कर दो, आप ये काम कर दो, आप ये काम कर दो, आप ये काम, ये फाइल की सॉर्टिंग कर दो, इसका काम कर दो, क्योंकि एचआर का काम यही है कि लोगों को एंगेज करके रखना। कोई बंदा खाली बैठा इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत है, क्यों खाली बैठा, आप उसको इतना काम दे दो कि वो तीन दिन में भी ना हो पाए, बस आपसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना, ये एचआर का काम होता है। और सैलरी पूछो ही मत, ठीक है, नो कमेंट। उसके बाद एचआर एम एट द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल पावर, देखो एचआर कभी भी आपसे काम से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होता, ये भी आप ध्यान रख लेना, क्योंकि उसको पता है जब मैंने उसको शाबाशी बोल दिया ना बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तो अगले दिन से काम ही नहीं करेगा, उसे काम में 10 कमी निकाल दो, तो अपने भी कमी सुधारेगा वो, ठीक है। तो यहां पे एचआर का मतलब होता है कि जितने आपके जो पर्सोनल्स हैं उनको किस तरीके से काम करना है, कैसे आप उनको फुलफिल करोगे, ये चीजें आपका देखना। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं बेटा हमारे एचआर मैनेजमेंट के, ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं, ये चीज मैंने आपको बताया, क्रिएट करना, यूटिलाइज करना, मोटिवेट करना पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन गोल करने के लिए। जब तक आप ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करोगे तब तक आपको ये चीजें चाहिए, मतलब चाहिए। उसके बाद लोगों को इंडिविजुअल और ग्रुप को इफेक्टिवनेस के साथ में काम करना, और ये भी देखना कि जितने भी पर्सन हमारे हैं उनकी हायरिंग करना, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, उनको ग्रोथ की फैसिलिटीज उनको देना, उनको ट्रेनिंग करना, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, कंपनसेशन मैनेजमेंट वगैरह करना, ये सारा आपका इसका काम रहता है। इसके साथ साथ आपके जो स्किल्स हैं और एबिलिटीज जो है आपकी उनको इंप्रूव करना, कैसे एक पर्सन काम करेगा अपने स्किल्स के साथ में, ये चीजें देखना आपका किसका काम होता है, एचआर का काम होता है। एक पर्सन को फुली सेटिस्फाइड करना, ये किसका काम होता है, एचआर का काम होता है। इसके साथ साथ अपनी जो, हाँ एक ये वाला पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है इसमें, टू क्रिएट अ सेंस एंड बिलोंगिंग, फीलिंग्स ऑफ बिलोंगिंगनेस, इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब होता है, मतलब एचआर हमेशा ये जताता है आपको, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी है, ये हम सबकी ऑर्गेनाइजेशन है, हम सबको मिलके काम करना है। आपको एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आनी चाहिए, आपको कभी ये नहीं लगना चाहिए मेरी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, हमें तो कुछ सुनता ही नहीं है कोई, हमारे तो कोई पूछता नहीं, भले चाहे सुनता नहीं है कोई, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी वो आपको हमेशा ये फील करवा के रखेगा हम है ना आपके साथ, हम आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, आप बताइए प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसमें आपको जो है एक हाई मोरल आपको बूस्ट करना, एक जैसे जैसे चीजें आपकी चेंज हो रही है, जैसे इंडिविजुअल में चेंज होता है, ग्रुप में चेंज हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हो रहा है, तो उसको चेंज को मैनेज करना किसका काम होता है, एचआर का काम होता है। आपको समझा के रखना, आपको जो है भाई उसको देखो छुट्टी वाले दिन अगर किसी को बुलाना होगा तो आप कैसे मनाओगे, ये एचआर की ट्रिक्स होती है, वो कैसे उसको छुट्टी वाले दिन लोगों को बुलाएगा। ओवर टाइम करवाना है कैसे करवाओगे आप, ये एचआर जानता है आपसे, मीठा मीठा बोलना, प्यार प्यार से बोल के काम करवाना, एचआर की वो रहती है, क्योंकि लोगों से काम करवाना ये आपकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। चलिए आराम से आराम से, देखिए क्या होता है कि जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन में जब आप काम करते हो तो आपकी इंपॉर्टेंस क्या रहती है, एचआर मैनेजर की इंपॉर्टेंस क्या रहती है, पहली चीज स्ट्रेटजी बनाने में हेल्प करना, इसमें हेडिंग डाल दो आप इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या क्या इंपॉर्टेंस रहेंगे बेटा, सबसे पहली चीज स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में हेल्प करना, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में हेल्प करना, हेल्प करेंगे कैसे हेल्प करेंगे,
भाई हमारी लेबर कैसे, ये हमें पता है ना, हमारे स्किल्स कैसे, मतलब ये हमें पता है भाई हम कहां पर कौन से स्किल्स के साथ हमें काम करना है, ये आपको बताएगा। इसके अलावा बेनिफिट एनालिसिस करना, बेनिफिट एनालिसिस करना, जैसे कि बेनिफिट एनालिसिस का क्या मतलब है यहां पे देखो, जब भी आप कोई पर्सन कोई काम करता है तो ऑर्गेनाइजेशन में ना एचआर मैनेजर ये एनालाइज करता है आपने ऑर्गेनाइजेशन को कितना बेनिफिट दिया भाई, आपको कितने टारगेट दिए गए और आपने कितने टारगेट अचीव करे और आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो या नहीं हो, क्योंकि जब तक आप बेनिफिशियल रहोगे तभी तक ऑर्गेनाइजेशन आपको रखेगी, अदरवाइज आपको बोल देगी कि सर गो एंड फाइंड अ न्यू जॉब, वी डू नॉट हैव एनी रिक्वायरमेंट ऑफ योर्स, यू आर फायर्ड नाउ, कल से मत आना आप। ऐसा कब बोलेगी ऑर्गेनाइजेशन आपको? ऐसा ऑर्गेनाइजेशन तब बोलेगी जब उनको लगेगा कि भैया आप प्रोडक्टिव नहीं हो, आपकी कंप्लेंट्स आ रही हैं, आप अपने काम को लेकर सीरियस नहीं हो, आप हमेशा देखो एक जिंदगी में ना हमेशा एक बात याद रखना बेटा, ऑलवेज लव योर वर्क नेवर योर कंपनी, हमेशा आप अपने काम को प्यार करो कंपनी को नहीं, क्योंकि कंपनी कब आपको प्यार करना छोड़ दे ये आप भी नहीं समझ सकते। आप अपने काम को छोड़ के कंपनी की चीजों में ज्यादा रहोगे ना उतने ही ज्यादा मार खाओगे, क्योंकि कंपनी आपको काम से जानती है, कंपनी आपको काम से जानती है, जिस दिन आपका काम करना बंद हो गया ना उस दिन ऑर्गेनाइजेशन आपका रिप्लेसमेंट फाइंड आउट करना शुरू कर देगी। इसलिए हमेशा जितनी पॉलिटिक्स से जितना ज्यादा दूर रहोगे ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा पॉलिटिक्स मिलेगी, आपको नहीं पता कि कौन बंदा कब कहां पर कौन सी आपकी बातों को कहां पर हथियार बना के यूज कर रहा है, ठीक है? तो इसलिए हमेशा पॉलिटिक्स से जितना दूर रहोगे, हाँ ठीक है भाई एनरोलमेंट करो उतनी ही आप चीजों में रखो जितना आपका चल जाए, आपका पड़ोसी ही बोल देगा उसने बोला था, बताओ आप जवाब देते फिरो, आपको यह बात किसने बोली? इन्होंने बोली। अब बताइए फिर क्या जवाब दोगे आप इस बात का? कोई है आपके पास कोई जवाब? कुछ भी जवाब नहीं है। फिर वो पता क्या बोलेंगे? Your involvement in the other activities or like gossip and other activities are found. So on certain basis, it is intimate to you. So focus on your work. तो कई बार ऑर्गेनाइजेशन, देखो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहती है फालतू की एक्टिविटीज आपकी हो, ठीक है भाई आप काम करो लेकिन काम से काम रखो। और हमेशा ये चीज याद रखना ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी आप भाई आज आप यहां पर बैठो हमेशा तो यहां नहीं बैठे रहोगे भाई, आप अपनी जिंदगी में आगे भी बढ़ोगे, ऑर्गेनाइजेशन में भी काम करोगे, कॉर्पोरेट में काम करोगे, कहीं ना कहीं तो भाई आप काम करोगे भाई, आज नहीं एक साल बात करोगे दो साल बात करोगे, कहीं ना कहीं तो करोगे, इन सब चीजों का सामना आपको करना है। तो इसलिए पॉलिटिक्स से जितना दूर रहोगे ना उतना ही मतलब आपके लिए फायदा रहेगा, अपने काम से काम रखो, भले चाहे लोग आपको सेल्फिश बोलेंगे लेकिन आप अपने एंड पे सही रहो, ज्यादा किसी की मतलब जो है बातों में इन्वॉल्वमेंट मत रखो, सुनो सबके, बस अपने मुंह से बस वही बात निकालो जिनको आप एक्सेप्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि आप मजे मजे में क्या क्या बातें बोल देते हो, कहां पर कौन आपकी बातें सुन रहा है, कौन कहां पर किसकी बातों को कहां पर जाके वो किया जा रहा है। तो ठीक है भाई आपको देखो ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी बातें पता होती हैं लेकिन बेटा उतनी ही बातें बोलो जितनी आप एडजस्ट कर सको, हमेशा बस ये चीज याद रखना। ऐसे घर में भी होता है, रियल लाइफ में भी होता है भाई, हम भाई फ्रेंड्स हैं भाई, हम पांच फ्रेंड्स हैं, मान लो मैंने आपको किसी का कोई सीक्रेट बता दिया, तुमने उसको जाके बता दिया कि सर पता तुझे सर क्या कह रहे थे, सर ये कह रहे हैं, सर ये कह रहे थे, ठीक है, अब पता चले इसने मेरे को बताया कि यार मैंने तो तुझे अपना दोस्त समझ के बताया था, तो वो कई बार क्लैशेज और कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग कई बार हो जाती है, ठीक है। तो बेनिफिट एनालिसिस करना किसका काम होता है बेटा? एचआर का काम होता है। इसके साथ साथ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना ये भी किसका काम है? एचआर का ही काम है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करना किसका काम है? एचआर का काम है। आपको देखना कि भाई ट्रेनिंग दिलवाना, आपको जो है डेवलपमेंट करना, ट्रेनिंग जो होती है अगर आपको कोई काम नहीं आ रहा है, कोई चीज आपको नहीं समझ आती तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपको काम सिखाया जाता है, आपके अंदर वो स्किल्स डेवलप किए जाते हैं जो उस टाइम पे आपके पास नहीं है। मान लो कोई काम करना है बट मेरे पास स्किल्स नहीं है तो आपको वो काम सिखाया जाएगा पहले। अब मान लो भाई मैं किसी कंपनी से आया, वहां पे कल्चर आपका अलग है, भाई आपके यहाँ पे कल्चर अलग है, तो आपको मतलब जो है पहले ट्रेनिंग दी जाएगी 8 दिन की 10 दिन की 15 दिन की महीने की 6 महीने की, जैसा काम है। अगर मान लो फ्रेशर हूं तो एकदम से चीजें आपको नहीं बताएंगे, थोड़ा थोड़ा आपको जो है वो सिखाया जाएगा, ठीक है। तो उसको काम को सिखाना क्या होता है बेटा? ट्रेनिंग होता है, ठीक है। ट्रेनिंग के साथ साथ आपको डेवलपमेंट भी करना, भाई आपको खाली एक बार के ही काम थोड़ी है, ये तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए करना है। जब ये चीजें आपकी लॉन्ग टाइम में हो जाती है तो वो क्या हो जाती है? आपकी डेवलपमेंट।
आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करना, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उससे लेकर आपके हेयर स्टाइल से लेकर आपके टॉकिंग सेंस से लेकर आपके वॉकिंग सेंस से लेकर आपकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर आपके मतलब जो है कॉर्पोरेट मतलब आपके अंदर जो है इंडल्ज कर देना, आपकी एक्टिविटीज से लेकर हर चीज में आप आपको जो है डेवलप करना कि व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं है कि आप ये स्पाइस बना के चले गए और एक फंकी स्टाइल में जा रहे हो, यहां पे चार पांच कड़े पहन लिए, चेन पहन ली, तो भैया ये सब चीजें कॉर्पोरेट है, ये इट इज नॉट फैशन शो। तो बोल दिया जाता है भैया आपको जो है ऐसा है, आपको ऐसा ही करना है, क्योंकि ये सब चीजें हमारे कल्चर में नहीं एक्सेप्टेबल। अगर हाँ कई बार ऑर्गेनाइजेशन ये कहते भैया आप कुछ भी पहनो हमें कोई मतलब नहीं, आप पजामा पहन के आ जाओ, लोअर टी शर्ट पहन के आ जाओ, हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ काम से मतलब है, तो ठीक है वो अपना अपना कल्चर है आपका। अब जैसे मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था तो वहां पर क्या था, वहां पर ये कल्चर था कि आप अपने बॉस को ना बाय नेम बुलाओगे, बाय नेम बुलाओगे, वो सर और मैम से तो सुनते ही नहीं थे, उनका कल्चर है अपना, उनका अपना कल्चर था। मतलब मारुति सुजुकी में काम किया था, मतलब उसमें जब इंटर्नशिप करी थी ना मैंने, वहां पे उनका अपना कल्चर था कि भाई आप अपने जो बॉस है ना उनको मनोज, इवन मनोज सर के नाम से भी नहीं सुनेंगे वो, मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता था वहां पे है। उनका मानना पता क्या था, उनका मानना यह था वी ऑल आर द फैमिली, नो बॉस नो हायरार्की नो स्ट्रक्चर, वी ऑल आर द सेम, वी ऑल आर द यूनाइट टुगेदर। लेकिन कल्चर तो हमें वही है ना, आप अपने पड़ोसी को भी बोलोगे एक्सक्यूज मी, तो वो वाला मतलब एक्सक्यूज मी सर आप वैसे सुनते नहीं है, सर बोलो मैम बोलो तभी सुनते हैं, अरे सुनते नहीं है, हे हेलो एक्सक्यूज मी आई एम योर बॉस सो कॉल मी बाय रिस्पेक्ट, ओ कालिए जी ठीक है। तो वो वाला सिस्टम मतलब यहां पर है, लेकिन बोल वाली बात है वहां पर कल्चर में मुझे थोड़ा सा बहुत ज्यादा ऑकवर्ड लगता था। लेकिन उनका एक कल्चर ये भी था कि जितने भी लोग लंच करते थे ना, लंच सब लोग मिलकर इकट्ठा करते थे, वहां पे छोटा स्टाफ था, ज्यादा बड़ा स्टाफ नहीं था, कम से कम 30-35 लोगों का स्टाफ होता, एक काफी बड़ी मतलब राउंड टेबल थी ऐसे करके मतलब जो है उस पे वो करते थे। और कभी कभी तो ना लंच सफल हो जाते थे, आपको किसी और का लंच मिल गया और किसी और का लंच आपको मिल जाता, तो मतलब लंच जो आपके शेयरिंग हो जाते थे, तो उसमें मतलब आप ढूंढते रहते थे कि मतलब कई बार आपको जो कि किसका लंच कहां पर, कई बार लोग एक दूसरे का लंच भी मतलब जो है उसमें वो कर लेते थे सबके, मतलब सब लोग जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, मतलब चाहे कोई बंदा काम कर रहा है उनमें ये पता कि भाई उनका ये मानना था कि भाई आपका जो है एक से दो लंच मतलब लंच, वहां पर उस ड्यूरेशन में कोई काम नहीं होगा आपका, सब लोग जो अपना काम 1 बजे छोड़ देंगे और 2 बजे अपना जो है वो अपना वो कर लेंगे, भले चाहे आप अगर आपको लंच नहीं करना है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप आओ बैठो। उनका मानना यह था कि लंच का जो टाइम पीरियड होता है वो हम सबके लिए होता है, हम सबके मिलने के लिए होता है, वैसे तो भी किसी के पास टाइम होता नहीं है, एक लंच का ही टाइम पीरियड ऐसा होता है कि जिसमें आप गॉसिप शेयर कर सकते हो, आप बातें शेयर कर सकते हो, आप अपनी जो मतलब कोई भी मतलब जो चीजें हैं वो आप शेयरिंग कर सकते हो, और मतलब आप जो भाई कहीं नहीं भी वो करना कम से कम बैठो आप रिलैक्स मतलब होके रहो, ये नहीं कि आप खाना खाए जा रहे हो मतलब उधर जो है आपके मतलब माउस चले जा रहा, हाथ चले जा रहा, इधर आप खाना खा रहे हो उधर आपका माउस चल रहा। तो उनका एक अपना कल्चर था भाई, उनका अपना वो था, उनकी ऑफिशियल पार्टी होती थी, सब लोग मतलब जो है सब लोग ऐसे पी पी के झूमते थे, तो मतलब एक अलग ही मतलब लड़कियां भी वहां पे जो है स्मोकिंग करती थी, मतलब सब चीजें कॉर्पोरेट, ऑब्वियसली बात है कि सब चीजें कॉर्पोरेट में अलाउड है, वो कहते हैं हमें कोई मतलब नहीं है, सब चीजें करो हमें कोई दिक्कत नहीं, वी ऑल आर द फैमिली टुगेदर, वी ऑल आर द यूनाइट टुगेदर। उसमें आधी से ज्यादा लड़कियां एल्कोहलिक थी, 80% गर्ल्स मतलब जो है एल्कोहलिक थी, क्या करोगे आप, उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉनवेज खाते हो कोई दिक्कत नहीं है, आप आदमी मार के खा जाओ कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो वहां पर जो है ये चीज आपकी बहुत सारी करी है, हाँ कम से कम 2-3 साल काम करा मैंने, ठीक है। देखो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मतलब आपको जो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट तो देखो आपको करना ही है, उसके बाद आपका जो है एक आपका काम होता है इंटरैक्टिविटी विद एम्प्लॉई, इंटरैक्टिव विद एम्प्लॉई, कैसे बेटा आप लोगों से इंटरैक्टिव करो, कम से कम दिन में एक बार तो आपको मिलना ही मिलना है लोगों से, आप उनसे पूछो उनको देखो, जब तक आप लोगों को देख नहीं लोगे ना तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा, जब तक लोग आपसे नहीं मिलेंगे ना तब तक लोगों को चैन नहीं आता, भाई एचआर मिलने नहीं आया जब से, एचआर घूमता है एचआर पूछता है तो अच्छा लगता है ना कि भाई चलो एटलीस्ट भले चाहे वो निगरानी रखना हमारे ऊपर, लेकिन कम से कम कोई तो इंसान ऐसा है कि जिसको हम जरूरत पड़ने पर आवाज दें और वो आ जाए, वैसे तो कोई आता नहीं है,
लेकिन फिर भी मतलब जो है आपसे एक कैबिन बना हुआ होता है उनका, उनका लिखा होता है कि आपका आपके लिए हमारा कैबिन जो है वो हमेशा खुला है, जिस भी प्रॉब्लम को जिस भी इंप्लॉय को कोई दिक्कत है वो हमारा यहाँ पर आ सकता है। एक बार जैसे मतलब हमारे उसमें ना ऑर्गेनाइजेशन में मतलब वो था कि एक लड़की के डेस्क पे ना किसी ने मतलब फ्लावर्स और चॉकलेट रख दी थी, ठीक है। अब उस दिन हड़कंप मच गया हमारी कंपनी में, कैसा हुआ कैसे किसने रखा, अब कोई बताए ना कि भाई किसने रखा है। नहीं उस टाइम पे इतना मतलब जो है कैमरे वगैरह का मतलब इतना वो नहीं था, ठीक है। अब हो सकता है कि कैमरा हो भी तो मतलब जो है कई बार मतलब ऐसे मतलब चीजें होती है ना कि भाई जैसे मतलब हिडन उसमें आपका वो रहता है भाई कैबिन वगैरह सारी चीजें कैप्चर नहीं करता, तो कई बार मतलब जो है भाई किसी के उस पे रख दिया। अब तब से इन्होंने रूल बना दिया कि भाई कोई भी अननेसेसरी विदाउट एनी इंटेंशन आप किसी को गिफ्ट नहीं दे सकते, कोई भी इवन मतलब एक छोटे से मतलब किचन मतलब क्या एक छोटे से मतलब छोटे से एक पेपर भी नहीं दे सकते आप किसी को। तो वहां पर मतलब जो ये चीजें फिर उसके बाद बैन कर दी गई कि अगर ऐसा कुछ होता है और किसी भी मतलब उसमें बोल दिया गया था कि अगर कोई लड़की कंप्लेन करती या तो भाई अगर आपको मिला है तो आप कंप्लेन मत करो, अगर आपको मिला है ना तो आप कंप्लेन मत करो, तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है हमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर किसी गर्ल्स ने कंप्लेन करी है और किसी पर्सन का नाम सामने आया है तो विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन यू आर फायर्ड, वहां पर ये रूल था बहुत क्लियरली मेंशन था यहां पे, अगर किसी पर्सन के खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है इन केस ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट और इन केस ऑफ ईव टीजिंग और सर्टेन काइंड ऑफ एक्टिविटी उसमें कोई एक्शन मतलब आपका कोई आपके एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी जाएगी आपसे, इमीडिएटली फायर हो काम मत करो वो चीज चल जाएगी। लेकिन अगर इस तरीके की एक्टिविटीज में अगर आप रहते हो ना तो उसमें कोई भी मतलब हमारी उसमें कोई भी सुनवाई नहीं है आपकी नीचे से लेके ऊपर तक, चाहे कोई भी पर्सन आई मैंने आपका बॉस भी क्यों ना हो उनके लिए भी तुरंत आपकी फायरिंग है। उसमें बहुत अच्छा मतलब वो था कि मतलब गर्ल्स को लेके मतलब बहुत ज्यादा मतलब इनका वो रहता कि मतलब कोई कंप्लेंट ना कर दे, भले ही आप मतलब जो है चीजें आप कुछ भी करो लेकिन उनका ये अपना जो है चीज आपकी रहती थी। इसके बाद आता है आपका कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट क्या होता है भाई आपके जो है आपस में जो है लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए किसी भी प्रॉब्लम को लेके, कोई सॉर्ट आउट मतलब आपको जो है कोई प्रॉब्लम चल रही है रोल को लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके रिसोर्सेज को लेके टास्क को लेके और कई बार बहुत सारी चीजों को लेके हमारी जो है खिंचत आनी चलती है, तो उसमें जो है आपकी इंटरेक्शन आपका होना चाहिए। हेल्दी वर्किंग एनवायरमेंट आपको बनाना है, वर्किंग कल्चर जो आपका क्या होना चाहिए हेल्दी होना चाहिए, वर्किंग एनवायरमेंट आपका सेफ्टी वाला होना चाहिए और उसके साथ साथ आपको कंप्लायंसेस से भी मैच करना है। व्हाट डू मीन बाय कंप्लायंसेस, बट कंप्लायंस क्या होता है लीगल प्रोविजंस, आपके जितने भी लीगल प्रोविजंस हैं वो सारे आपको पूरे करने, जब तक आप लीगल प्रोविजन पूरे नहीं करोगे तब तक आपका काम नहीं चलेगा। तो हर एचआर को ये चाहिए कि जो उसके लीगल फॉर्मेलिटीज है ना वो लीगल फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी है मतलब करनी है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये मैंने आपको बता दिया लाइक आपका प्लानिंग है स्टाफिंग है और आपके जो है डेवलपमेंट है डेवलपमेंट है मोटिवेशन है मैनेजिंग चेंज है, ठीक है। रिलेशनशिप मेंटेनेंस करना इवेल्युएटिंग करना अप्रेजल करना ये सारा जो काम आपका एचआर का रहता है, ये सारे फंक्शंस में आ जाते हैं। देखिए इसके अलावा और क्या क्या काम रहते हैं इनके, ये देखिए इंप्लॉयमेंट जनरेट करना, इंप्लॉयमेंट जनरेट करना किसका काम होता है बेटा एचआर का काम रहता है, कैसे भाई किस किस जगह पे कहां पे कौन कौन से पर्सन की हमें रिक्वायरमेंट है ये सारा मतलब देखना किसका काम होता है एचआर का काम रहता है। रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग डेवलपमेंट इंप्लॉय सर्विसेज और उसके बाद सैलरी वेजेस इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है आपकी इंडस्ट्री में रिलेशंस को मेंटेन करना, भाई आपके हेल्दी रिलेशन होने चाहिए एम्प्लॉयमेंट के एम्प्लॉय के वर्कर्स के साथ में और आपके जो मैनेजमेंट के वर्कर्स के साथ में वर्कर्स के मैनेजमेंट के साथ में मैनेजमेंट मैनेजमेंट के वर्कर्स वर्कर्स के सबके रिलेशन जो कैसे होने चाहिए हेल्दी होने चाहिए। हेल्थ एंड सेफ्टी का आपको ध्यान रखना है ये भी इनका काम है, इसके साथ साथ आपको एजुकेशन का ध्यान देना है वर्किंग कंडीशन का ध्यान देना है अप्रेजल एंड असेसमेंट का ध्यान देना है। यहां पे एजुकेशन का मतलब बताइए मुझे, एजुकेशन का मतलब क्या होता है, देखो कई बार ना आपको ऑर्गेनाइजेशन कोर्सेज भी करवाती है भाई कोई चीज अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो आपको कोर्सेज करवाएगी,
जैसे एक कॉर्पोरेट एमबीए होता है, कॉर्पोरेट एमबीए होता है कि मतलब आपको ना ऑर्गेनाइजेशन एमबीए करवाती है, वो आपका जैसे मतलब ऐसे नहीं होता, मतलब पेपर वगैरह उसमें भी होते हैं, आपको डिग्री लेने के लिए मतलब जो है आपको कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस रहता है, आपको खाली पेपर देने सिखाया जाएगा, क्लासेज होंगी, सारी चीज होती है, आप घर पे बैठो एमबीए करो, सारा खर्चा जो है वो मैनेजमेंट देती है आपका। हाँ जैसे मतलब एडवांस कोर्सेज आपके होते हैं तो वो सारा भी करवाना आपका जो उसका काम रहता है, जैसे आप टेली पे काम कर रहे हो तो टेली पे जो आपके वर्कशॉप्स हैं वो आपको अटेंड करवाया जाएगा, और भी मतलब बहुत सारे कोर्सेज हैं आपको, जैसे 2 मंथ का, 3 मंथ का, 15 डेज का आपको जो है आपको जो कोर्सेज आपको करवा दिए ताकि आप कुछ सीख कर आए, क्योंकि जब आप सीख के आओगे ना तो हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन फुल खर्चा करेगी, आपका आना जाना, आपका जो है कन्वेंस वगैरह, चाय पकौड़े समोसे वगैरह सब चीजें आपको देगी, खाने पीने की सारी फैसिलिटी आपको देगी, सब चीजें मतलब आपको दी जाएगी, बट वहां पे जाके आप सीखो। हैं अप्रेंटिसशिप का मतलब इसमें आपका अप्रेजल, अप्रेजल पूछ रहे हो ना, अप्रेजल का मतलब क्या होता है कि जैसे आप काम करोगे तो भाई काम करने के बाद आपकी प्रमोशन भी होनी चाहिए ना भाई, आपको फीडबैक भी होता है कि भाई पूरे साल आपने किया क्या, भाई आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, भाई अप टू मार्क है, आपने अच्छा काम किया है या नहीं करा है, या भाई आपने जो आपने टास्क रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने जो परफॉर्म करी है भाई आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, तो अगर आपको बताया जाएगा इंडिविजुअल। पता क्या होता है पूरे साल के एंड में ना एक परफॉर्मेंस वीक होता है, परफॉर्मेंस वीक का मतलब क्या होता है नीचे से लेके ऊपर तक सारे लोगों की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है, भाई आपके पूरे साल में आपको कितना टास्क दिया गया, आपने कितने मतलब जो है टास्क आपने परफॉर्म करे, आपका अपने कोलीग के साथ में क्या बिहेवियर है आपका, ठीक है, आपका अपने बॉस के साथ में कैसा बिहेवियर है, आप लोगों को जो सबॉर्डिनेट है उनके साथ में कैसा बिहेवियर है, सब लोगों के साथ में आपका जो बिहेवियर वो चेक किया जाता है, ठीक है। इसमें खाली ये जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ही काम नहीं है, आपकी पंचुअलिटी देखी जाती है, आपका वे ऑफ बिहेवियर देखा जाता है, आपकी टॉकिंग देखी जाती है, आपको जो बाकी चीजें हैं वो सारी चीजें आपको देखी जाती हैं। तो ये ये सबका होता है, सबका होता है, हाँ, बाकी का 1 ईयर का होता है, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगर मैं बात करूं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है आपको 3 फंक्शंस इनके डिवाइडेड होते हैं, एक होता है आपका पहला मैनेजरियल फंक्शन, दूसरा होता है ऑपरेटिव फंक्शन, तीसरा होता है एडवाइजरी फंक्शन। इस फंक्शंस को आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आपका मैचिंग में पूछ लेता है कि भाई ये कौन से फंक्शंस हैं या कौन से इसके ऑपरेटिव फंक्शंस नहीं है। यहां तक चीजें समझ आ रही है आपको? चलिए देखो, जब हम एचआर के बारे में बात करते हैं तो एचआर में आपको जो है 3 तरीके के फंक्शंस आपके डिवाइडेड हो गए, कौन कौन से, मैनेजरियल फंक्शन, मैनेजरियल फंक्शन, उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है कौन से, ऑपरेटिव फंक्शंस, और कौन से, एडवाइजरी फंक्शन, ठीक है। देखिए अब ये मैनेजरियल फंक्शन देखिए जरा एक बार, मैनेजरियल फंक्शन में तो वही मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारा आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना, भाई स्टाफिंग वाला जो सारा फंक्शन है वो तो आप करोगे करोगे, है ना, तो इसमें सारा जो है आप फंक्शन इसमें परफॉर्म करने वाले हो, तो आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। तो आप इसमें क्या करोगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेटिव फंक्शंस में क्या आ जाएगा, जो आपके मेन फंक्शंस रहते हैं कौन कौन से बेटा, रिक्रूटमेंट, क्या रहते हैं बेटा, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, लेबर रिलेशन बनाना, और इसके साथ साथ आपको जो है वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय वेलफेयर, ये सारा जो काम होता है किसका होता है, ऑपरेटिव फंक्शंस में आता है, ये सारे आपके मेन फंक्शंस होते हैं ना, ये तो आपको करने ही करने होते हैं भाई, जॉब एनालिसिस करना, जॉब डिजाइन करना, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, ट्रेनिंग करना, डेवलपमेंट करना, और ये सारे जो काम रहते हैं वो किसके रहते हैं, ये आपके एचआर मैनेजर के ही काम रहते हैं, क्योंकि जब तक आप ये काम नहीं करोगे तब तक आपका जो टास्क है वो टास्क नहीं माना जाता, ठीक है। ये चीज समझ आ रही बेटा? हाँ जी मैडम, आपको समझ आ रही है, ठीक है। इसमें आपको ये सारे मेन फंक्शन है, मतलब आपका रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग करना, डेवलपमेंट करना, परफॉर्मेंस अप्रेजल करना, और आपका वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन करना, और आपका जो है एम्प्लॉय वेलफेयर, ये एक तरीके से फंक्शंस भी आपके, ठीक है, ऑपरेटिव फंक्शंस, आपके जो मेन फंक्शंस होते हैं वो यही होते हैं, ये सारे काम आपको करने पड़ते हैं, और ये आप ये समझ लो यही हमारे टॉपिक्स भी हैं,
यही हमारा सिलेबस है और यही हमारे टॉपिक्स भी हैं। एक एक टॉपिक को आप डिटेल में पढ़ोगे, सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट वगैरह, ये सारा आप डिटेल में पढ़ोगे। परफॉर्मेंस अप्रेजल डिटेल में पढ़ोगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आप डिटेल में पढ़ोगे, वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन आप डिटेल में पढ़ोगे, इंप्लॉय वेलफेयर आप जो है डिटेल में पढ़ोगे। ये सारे टॉपिक्स क्या है आप डिटेल में पढ़ोगे। इसके अलावा मेंटेनेंस करना, लेबर रिलेशन बनाना, पर्सनल रिसर्च करना, पर्सनल रिकॉर्ड को मेंटेन करना। ये पर्सनल रिसर्च क्या है, ये पर्सनल रिसर्च क्या है, और आपके लिए नया क्या क्या किया जा सकता है, कौन कौन से स्किल्स हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे, ये आपके बारे में मतलब जो है टाइम टू टाइम अपने रिसर्च करना और देखना कि भाई कौन कौन से टास्क रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप जो है यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हो। जब तक आप ये टास्क रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म नहीं करोगे तब तक आपका जो काम है वो नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, पर्सनल रिकॉर्ड का क्या मतलब है, पर्सनल का मतलब यहां पे ह्यूमन से होता है, ह्यूमन से, जैसे ना पर्सोनल, कभी कभी आपने एचआर में भी ये टर्म सुनेंगे पर्सोनल, क्योंकि पहले ना एचआर को हम पर्सोनल मैनेजमेंट बोलते थे, वेलफेयर मैनेजमेंट, पर्सोनल मैनेजमेंट, धीरे धीरे आपका जो है इनका इवोल्यूशन हुआ है। देखो तो इसमें आपका पर्सोनल रिकॉर्ड का मतलब क्या होगा, ये एचआर का काम होता है जिस दिन से आपने ज्वाइनिंग करी है उस दिन से लेके आज तक आपका सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना, आपकी जॉब आईडी क्या है, आपका टाइटल क्या है, कितनी आपने ऑफ ली, कितना आपको क्या क्या आपको टास्क दिए गए, क्या क्या आपकी रिपोर्ट है, आपकी प्रोफाइल पे लिख दिया जाता है कब से ज्वाइनिंग करी, जब से आपने ज्वाइनिंग करी बेटा तब से लेकर आज तक का सारा जो बायोडेटा होता है वो आपका रिकॉर्ड मेंटेन करना, आपको कब कब कहां पे कितनी सैलरी दी गई, आपका पुराना पेंडिंग क्या है, क्या क्या चीजें, आपकी वर्क परफॉर्मेंस कैसी है, वो सारी प्रोफाइल में एडिट करी जाती है। आपकी प्रोफाइल में मार्क लिख दिया जाता है, यू आर नॉट पंचुअल और यू आर वेरी ओवर स्मार्ट, और ये कई मतलब जो यू आर वेरी अच्छे हो तो अच्छा लिखा जाएगा, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट और लीडरशिप क्वालिटीज, वो सारा उसका जब आप परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हो ना उस सब पे आपका इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब जैसे मान लो भाई आपने कोई लीड रोल परफॉर्म किया, आपने जो है किसी प्रोजेक्ट में लीड रोल परफॉर्म किया तो वहां पे वो चीज भी लिखी जाती है, मेंशन करी जाती है, आपने मतलब जो है लीड इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड कंप्लीट ऑन द टाइम, और वो सारी चीज मतलब आपकी लिखी जाती है, ठीक है, ताकि इससे क्या हो कि कल को जब आपको प्रमोशन का नंबर आता है तो उसमें उन सब चीजों को मेंशन किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रहता है आपका एडवाइजरी फंक्शंस। एडवाइजरी फंक्शन का मतलब क्या होता है, एडवाइस करना, किसको, टॉप लेवल मैनेजमेंट को, क्या एडवाइस करेंगे भाई, आपकी पॉलिसी बनाना, प्रोसीजर बनाना, उन सब में जो है एचआर मैनेजर भी आपका बैठता है, मतलब जो आपके डिपार्टमेंटल हेड जो होते हैं ना एचआर के, वो सारे वहां पर बैठते हैं, वहां पर कितने लोग हैं, कहां पे क्या पॉलिसी बनानी चाहिए, हाँ वो टाइम पीरियड हमारा क्या होना चाहिए, वो सारे मतलब जो है उसमें एचआर भी आपका बैठता है, पता चलिए पॉलिसी बनाए जा रहे हैं, लोग तो हमारे पास है ही नहीं, स्किल पर्सन हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास ये रिसोर्स नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वो सारा मतलब जो है आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। कंपनी किसी के साथ मर्जर करने की सोच रही है, एक्विजिशन करने की सोच रही है, तो वो सारे मतलब पॉलिसीज वगैरह यहाँ पर देखना पड़ेगा। अच्छा, डिपार्टमेंटल हेड बनाना, भाई जितने भी आपके जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं उनको जो है आपको जॉब डिजाइन बनाना और आपको जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ये इन सब चीजों में भी आपको एडवाइस करती है कि भाई कैसे कैसे आपको बनाना है, कहां कहां पे क्या क्या चीजें आपको तैयार करनी है, किस किस तरीके से तैयार करोगे, वो सारी चीजें आपके यहां पर आ जाती हैं। देखो पर्सनल मैनेजमेंट क्या होता है, पर्सनल मैनेजमेंट भी आपका यही चीज रहती है, इट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट दैट डील्स विद द रिक्रूटमेंट, हायरिंग और आपका जो है स्टाफिंग, डेवलपमेंट एंड कंपनसेशन ऑफ द वर्कफोर्स, ठीक है, उनके साथ रिलेशन वगैरह मेंटेन करना, ये सारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव करना, ये सारा काम रहता है। देखो पर्सनल मैनेजमेंट आपका पहले काम था, ये आपका पहले काम हुआ करता था, काम पहले भी आपके यही थे, लेकिन अब क्या है, अब आपको जो है आपके स्किल्स पे काम किया जाता है, आपको जो है लॉन्ग टाइम के लिए रिटेन किया जाता है, आपको वेलफेयर के बारे में सिखाया जाता है, इवन आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है आपके बच्चों तक का खर्चा उठाती है, ऑर्गेनाइजेशन आपके बच्चों का भी खर्चा उठाती है, पता आपको, मतलब आपको जो है एक प्रॉपर आपको जो है फैसिलिटी मतलब आपको दी जाती है, आप अपने जो है मतलब जो गर्ल्स के मतलब उसके जो है जो एजुकेशन है आपके एजुकेशन अलाउंसेज आपको दिए जाते हैं, इवन बच्चों के हॉस्टल के खर्चे दिए जाते हैं, आपको जो है आपको इंश्योरेंस की फैसिलिटी आपको दी जाती है, आपको जो पीएफ की फैसिलिटी दी जाती है, आपको बोनस दिया जाता है, आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन आपको देती है। हाँ मेडिकल फैसिलिटीज मतलब जो है आपको सारी फैसिलिटीज मतलब आपके दी जाती है, वो सारा मतलब अलग अलग होता है। अब जैसे मतलब हमारा जो जैसे मतलब वहां पे मैं काम करता हूँ साउथ ईस्ट में, उन्होंने क्या कर रखा है हमारे घर पे न्यूज़पेपर लगवा रखा है,
है हाँ, आने जाने का कन्वेंस मतलब आपका वो रहता है, कन्वेंस का मतलब जो फैसिलिटीज आपको देती है, आपका कितना कन्वेंस लगता है आप कन्वेंस बता दीजिए, क्या फैसिलिटी देते, पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी देते, तो बहुत सारे लोग मतलब ये सारी फैसिलिटी देते, इवन कॉलेजेस भी ये फैसिलिटी देते, पता आपको, मतलब कॉलेज में भी आपको जो है आने जाने की पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी मिलती है, वो थोड़ा बहुत नॉमिनल सा चार्ज करते हैं आपसे, बट आपको फैसिलिटी दी जाती है, उनके पिकअप एंड ड्रॉप पॉइंट होते हैं, वहां पे बसेस वगैरह आपकी रहती है, जैसे जहां मैं पहले पढ़ाता था उनमें, मतलब कॉलेज में जहां मैं पढ़ाता था ना, गवर्नमेंट वगैरह में तो खैर नहीं होता, गवर्नमेंट तो आपको सैलरी इतनी देती है कि आप खुद अपनी एक टैक्सी हायर कर लो, टैक्सी से आओगे ना फिर आप गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो ड्राइवर रखोगे फुटपाथ में लेगी बेटा गाड़ी, फिर ठीक है चलिए। इसमें हम बात करते हैं पर्सनल मैनेजमेंट की और आपके जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। देखो बेटा पर्सनल मैनेजमेंट हमारा एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट था और आपका जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो आपका मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको जो है मॉनिटर किया जाता था, इसमें आपको जो है नर्चिंग करी जाती है। पहले आपको जो है मॉनिटर किया जाता था, भाई काम क्यों नहीं कर रहे, काम क्यों नहीं कर रहे, काम क्यों नहीं कर रहे। इसमें आपको पूरा एक कहते हैं ना बच्चों की तरह देखभाल करना, आपको हर एक चीज की देखभाल करी जाती है, आपको कब आप आ रहे हो कैसे, मतलब आपको आने से लेकर आपके घर तक पहुंचने तक का जो है वो सारा, ये सारी फैसिलिटीज मतलब आपको दी जाती है। इवन जो आपकी प्राइवेट ऑफिस है उसमें भी ये फैसिलिटीज दी जाती है, अगर कोई लेडीज लेट नाइट तक अगर काम करती है तो उसके साथ में एक बॉडीगार्ड और उसको जो है उसके घर तक, उसके गेट तक मतलब जो है ड्रॉप आउट की फैसिलिटी दी जाती है। अगर जैसे लेट आपका जो है लेट नाइट अगर आपके ऑफ होता है आपका, जैसे मान लो भाई आपका ऑफिस का जो टाइम जो है 6 से 3 है, भाई शाम के 6 बजे से 3 बजे तक है, तो आपको 3 बजे जो है, ऐसा नहीं है कि आपको बोल दिया भाई जाओ, तो आपको जो है आपको क्या फैसिलिटीज आपको दी जाएगी आपके घर के ड्रॉप अप पॉइंट तक, वो सारी फैसिलिटी मतलब दी जाती है विद सिक्योरिटी। अब तो आपको सिक्योरिटी वगैरह भी दी जाती है कि मतलब आप जो है उसमें एक लेडीज मतलब जो है फीमेल आपकी रहेगी जो आपको सारी फैसिलिटी देती है। क्या फैसिलिटीज मतलब कई बार आपका गुड़गांव वगैरह में ये सब कैसा सीन हो जाता है ना कई बार आपका, तो उसमें भी आपको ये सारी हाँ कई बार ऐसा जैसे कॉल सेंटर वाली जो गर्ल्स वगैरह हैं उनके साथ में कई बार ऐसा हो जाता है, या लेट वगैरह जैसे आपने कोई भी टैक्सी वगैरह हायर कर ली उसमें भी आपको जो कई बार आपका ऐसा सीन हो जाता है, लेट नाइट वालों में दिक्कत रहती है, तो वहां पर सुनसान एरिया है तो वहां पर जो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। दिल्ली वगैरह में तो फिर भी इतना नहीं होता, दिल्ली में भी होता है, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता, होता है लेकिन इतना इस लेवल पे आपका नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहता है कि केयरफुल डायमेंशन ऑफ द रिटर्न कॉन्टैक्ट, जितना आपका कॉन्टैक्ट में लिखा गया ना हर एक चीज को जो है आपको उस पर फोकस किया जाता है, जो आपको लिखा गया बस वही चीज आपको करी जाएगी। लेकिन अब आजकल क्या है, आजकल जो है बियॉन्ड द कॉन्ट्रैक्ट, जितना हम आपको कर रहे हैं वो तो हम करेंगे, इसके अलावा हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, आपको जो है वेलफेयर प्रोवाइड करना, आपको जो है इंटीरियर वगैरह प्रोवाइड करना, आपको जो है मतलब आपको जो है एसी वगैरह प्रोवाइड करना, वो सारा मतलब जो आपके वेलफेयर के लिए काम करना, आपको जो है एक रिलेशनशिप आपको बिल्ड करके रखना, वो सारा जो काम रहता है वो आपको सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करी जाती है। इसके साथ साथ मतलब आपको जो है एक वैल्यू और मिशन के अकॉर्डिंगली काम करना, यहाँ पर आपका जो है नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली काम किया जाता था, आपको इसमें पहले आपको लेबर की तरह ट्रीट किया जाता था लेकिन अब जो है आपको कस्टमर की तरह ट्रीट किया जाता, मतलब आप भी कंपनी के लिए भगवान हो। ठीक है, बिल्कुल, मतलब इसमें जो है ये चीजों को आपको ध्यान रखा जाता था, पहले आपकी जो स्पीड रहती थी वो स्लो रहती थी लेकिन अब क्या है, अब आपको जो है फास्टली मतलब चीजें आपको करी जाती है। पहले आपका जो वेजेस पे किया जाता था वो पीस मील के हिसाब से किया जाता, जितना काम करोगे उतना पे किया जाएगा, अब आपका क्या है सैलरी तो आपकी कम है लेकिन इंसेंटिव आपके इतने हैं कि जितनी आपकी सैलरी होती है उससे कहीं ज्यादा आपके इंसेंटिव होते हैं, जितना आप एक्स्ट्रा परफॉर्म करोगे ना भाई ऑब्वियस ही बात है कि इतनी सैलरी तो आपको मिलेगी, मान लो 10,000 है 12,000 है वो तो आपको मिलेगी, प्लस आप जितना काम करोगे उसका इंसेंटिव आपको मिलेगा। जैसे 1,00,000 का आपने कोई काम कर दिया तो उसका 10% आपको मिलेगा, अगर 10% भी मिल गया तो मान लो भाई आपका जो है 10,000 रुपए आपको मिल गए, अगर मान लो आपने 2,00,000 का काम कर दिया तो 20,000 रुपए मिल गए, सैलरी आपकी 12,000 प्लस आपके 20,000, ऐसे ही मतलब आपको जितना आप काम करोगे उतना ही ज्यादा, अब जितना आप परफॉर्म करोगे उतना ही ज्यादा सैलरी मिलेगी आपको, क्या दिक्कत है भाई, आप काम करो आपको पैसा मिलेगा। सेल्स वाले में क्या होता है, सेल्स वाली जॉब में तो यही होता है, आप जो इंश्योरेंस वाले सेक्टर में क्या होता है इतनी उनकी सैलरी नहीं होती जितने उसमें इंसेंटिव्स होते हैं, 1,00,000 का आप इंश्योरेंस करवा दो उसके हिसाब से लोन करवा दो, लोन पास करवा दो तो आप जो है उतना टेंशन आपका रहेगा। हाँ
तो ठीक है भाई, आपको जो है टारगेट वगैरह आपने लेने ही लेने, टारगेट आपको अचीव करने ही करने हैं, तो वो सारी चीजें आपके इसमें आ जाती हैं। ठीक है, इसमें कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं समझ आ रहा हो? देख लो आप लोग एक बार। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ जी मैडम, चलिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आपका इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ है देखो, पहले आपका जो काम था वो क्या था, वेलफेयर मैनेजमेंट था। फिर इंडस्ट्रियल, मतलब आपका जो आपके परफॉर्मेंस, आपका जो पर्सनल मैनेजमेंट आया। पर्सनल मैनेजमेंट के बाद आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस, आपके इंडस्ट्री वगैरह सेटअप हुई, तो इंडस्ट्री वगैरह सेटअप होने से वैसे मतलब लेबर आपके आए और लेबर में अलग अलग तरीके से मतलब जो है आपको एक्सप्लॉइट किया गया, तो वहां पर आपको जो है इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन आपको मेंटेन किया गया। फिर उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट और आपके स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये सारा मतलब जो आपका इसमें आ जाता है। इसके अलावा अब आपका जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट चल रहा है वो कॉन्सेप्ट चल रहा है स्किल मैनेजमेंट और आपका टैलेंट मैनेजमेंट। टैलेंटेड बनाना आपको, जितने टैलेंटेड आप रहोगे, जितने क्रिएटिव आपको रहोगे ना, मतलब स्किल्स पे काम करना आपके। आपको टाइम टू टाइम पार्टिसिपेशन आपको किया जाता है, आपको टाइम टू टाइम मतलब ऐसे वर्कशॉप सेमिनार्स मतलब आपको दी जाती है और भी कई सारी एक्टिविटीज मतलब आपको जो है वो करवाई जाती है, ताकि आप जो है एक शॉर्ट टर्म मतलब इस तरीके से मतलब फैसिलिटीज आपको दी जाती है ताकि आप पार्टिसिपेट करो। ऐसा नहीं है कि आप आए 9 to 6 की जॉब, मतलब ऐसा मतलब TCS वगैरह ये बहुत अच्छी KPMG है और आपका जो है उसमें और भी कई सारी कंपनीज है जो आपके एम्प्लॉयज का बहुत ध्यान रखती हैं। इवन आपको ऑर्गेनाइजेशन योगा भी करवाती है, हाँ हाँ योगा भी करवाती है आपके, मतलब ताकि आप जो है स्ट्रेस फ्री आप रहो। इवन जहां पे मैं पहले वो काम करता था, ठीक है, जैसे जहां पे मैंने आपको बताया ना मारुति सुजुकी में काम करता था, वहां पे लाफिंग एक्सरसाइज होती थी स्टार्टिंग के 10 मिनट, हंसते थे सब, मजा आता था। ठीक है, और उसके बाद फिर लाफिंग एक्सरसाइज के बाद होती थी इनके डांसिंग एक्सरसाइज 15 मिनट की, मतलब स्टार्टिंग के आधा घंटा यही नौटंकी चलती थी उनकी, मजे थे। मतलब उसमें वही वाली बात था कि जिसको डांस नहीं आता ना, भले चाहे कुछ, उसमें ये रूल था करना है, चाहे आप कुछ भी करो, चाहे आप हाथ हिलाओ, चाहे जो भी मतलब उसमें वो करो, बट आपको करना है, मतलब करना है। मतलब हमारे उसमें ऑफिस में ना लड़के उस पे टेबल पे खड़ी हो जाती थी डांस करने के लिए, इतने मतलब लोग डेडिकेटेड रहते थे, मतलब उसमें ठीक है भाई एक अलग ही लेवल का मतलब एक कहता है, और मतलब म्यूजिक बजाते थे बढ़िया वाला, मतलब अच्छा उसमें रहता था भैया। कर उसमें ये रूल था आपको खाली नहीं बैठना है, करना है, मतलब आपके जो बॉडी, उनका मतलब ये था कि बॉडी की मूवमेंट आपकी होनी चाहिए, मतलब आप हिलो चाहे जो मर्जी, मतलब आप मतलब जैसे मर्जी मतलब चीजें मतलब आप करो, बट आप डांस करो। उनका मतलब ये था भाई 15 मिनट आपको जो है उसमें दिए जाते थे आपको, मतलब जो एक बिल्कुल कहते ना मतलब उसमें वो रहता था, और मतलब एक ये कहते हैं ना ओम वाला मतलब वो करना, मतलब एक उसमें बोलते थे भाई सब लोग मतलब जो है मेडिटेशन काइंड ऑफ, कि मतलब आप जो है सब लोग शांत हो जाइए, तो उसमें मतलब जो है ऐसे करके जो है उसमें एक वो चलता था वो मतलब ऐसे करके मतलब जो है उसमें तुम भैया ये देखो ये खाली नौटंकी नहीं है, सुनो मेरी बात, ये खाली नौटंकी नहीं है, ये पता क्या है, ये आपके स्ट्रेस को रिलीज करने का एक मेथड होता है। आप योगा करोगे, आप स्ट्रेस मतलब फील करोगे, और उसमें मतलब एक वो कहते थे कि मतलब आप जो है मतलब उनका टाइम रहता था, जिसको नहीं करना वो मत आओ, भले चाहे 9:30 बजे आओ, ऑफिस उनका 9 बजे खुलता था, आप 9 बजे मतलब आना है, ठीक है, अगर आप नहीं आना चाहते तो ठीक है भाई, आपको इमरजेंसी है कुछ है तो भाई ये नहीं है कि आप योगा आके आपको योगा ही करना है, तो आप ऐसा वाला सिस्टम भी उनका नहीं था तो, लेकिन हाँ ये जो है जो आपके अवेलेबल है उनको मतलब करना है। लोग वहीं से नाचते हुए आते थे, गेट से ही नाचते हुए आते थे, तो अच्छा लगता था, मतलब एक अच्छा मतलब एक पॉजिटिविटी मतलब आपकी आती थी, हाँ मतलब उसमें भाग वाक्य लोग जाते थे हाँ मतलब अच्छा उसमें एक उनका मानना पता क्या था उनका एक वो कल्चर, लेकिन ये भी बात बताऊं जैसा कल्चर मैंने वहां पे देखा ना उतना कल्चर मैंने और कहीं नहीं देखा, बहुत बढ़िया, मतलब एक
नहीं होता है सर बाकी में, मतलब ये चीजें मतलब आपके जो है फैसिलिटीज मतलब ये सारा मतलब आपको वो करते हैं, होना भी चाहिए ये चीज। मतलब आप जो है उनका मानना ये था कि भाई भले चाहे आप आधे घंटा काम कम करो लेकिन आप स्ट्रेस फ्री होकर काम करो, मतलब स्ट्रेस नहीं होना चाहिए हमारे एम्प्लॉय पे, किसी भी टाइप किसी भी पर्सन पे कोई स्ट्रेस नहीं दिखना चाहिए। मतलब काम करो, खुश होकर काम करो, आप भले चाहे जैसे मर्जी काम करो बट एक कहते हैं ना कि मतलब स्ट्रेस फ्री होकर काम करो, बढ़िया मतलब उस पर जो है अच्छा लगता था। है चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोसेस। प्रोसेस दिख रहा है बेटा आपको, छोटे छोटे दिख रहा होगा बट दिख रहा है, कोई बात नहीं मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहला स्टेप होता है बेटा आपका ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ये स्टेप्स आप लिख लीजिए, कई बार आपको सीक्वेंस आ जाता है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग सबसे पहला काम होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का, दूसरा काम होता है रिक्रूटमेंट का, तीसरा काम होता है सिलेक्शन का। पहले आपका रिक्रूटमेंट होता है, उसके बाद सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होने के बाद ओरिएंटेशन, सिलेक्शन के बाद क्या होता है बेटा ओरिएंटेशन, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद आपका जो है कंपनसेशन मैनेजमेंट, उसके बाद करियर डेवलपमेंट। परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद आपका जो है नहीं उसमें आपका आता ना कंपनसेशन मैनेजमेंट, कंपनसेशन मैनेजमेंट, उसके बाद करियर डेवलपमेंट, उसके बाद एग्जिट। ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाओगे ना, रुला के जाओगे है ना। हाँ वो प्लेसमेंट ओरिएंटेशन होगा, वो सारा आपका जो है ओरिएंटेशन इंडक्शन प्लेसमेंट होगा, वो सारा उसी में आ जाएगा। ओरिएंटेशन के साथ ही आप लिख लेना प्लेसमेंट इंडक्शन, जो कई बार ना प्लेसमेंट वगैरह वर्ड भी दे दिया जाता है, फिर आप वहां पर ढूंढोगे सर ने प्लेसमेंट तो बताया नहीं। ठीक है बेटा, इसमें कोई ऐसा स्टेप है जो नहीं समझ आ रहा आपको? सबसे पहले आप प्लानिंग करोगे, रिक्रूटमेंट करोगे, सिलेक्शन आपका जो है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट, हाँ ओरिएंटेशन वगैरह मतलब जो है सब आपका वो आ जाएगा, ट्रेनिंग आपकी आ जाएगी, ट्रेनिंग के बाद आप जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल करोगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद आपको सोचा जाएगा कि भैया आपको जो है प्रमोट कर दिया जाए या आपको जो है डिमोट करना है या आपको ट्रेनिंग पे भेजना है, क्या करना है आपको। ठीक है, या फिर उसके बाद अगर आपको प्रमोशन दिया जाएगा तो कंपनसेशन मैनेजमेंट भी किया जाएगा, भाई सैलरी भी बढ़ाई जाएगी आपकी और आपको जो है फैसिलिटी भी बढ़ाई जाएंगी आपके, भैया पहले एक नॉर्मल लेवल पे थे लेकिन अब आप जो है असिस्टेंट मैनेजर बन गए हो तो आपको फैसिलिटी वगैरह सब चीजें आपके बढ़ा दी जाएंगी। ठीक है, उसके हिसाब से आपको जो है टास्क रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह वो सब आपको दे दी जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद करियर डेवलपमेंट किया जाएगा आपका, करियर पाथ के बारे में आपको सोचा जाएगा और उसके बाद आपको जो है एग्जिट किया जाएगा। एग्जिट भैया या तो आप खुद ही चले जाओगे या आपको ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देगी, भैया ऑर्गेनाइजेशन निकाल देगी कई बार आपको, भैया आपका मिसकंडक्ट कर दिया या आपको जो है भैया आपका रिप्लेसमेंट आपका आ गया तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन कई बार आपको निकाल देती है, भैया आपने कम पैसों पे आपके स्किल्ड पर्सन आ गया तो क्या करिए, ऑर्गेनाइजेशन आपकी कमियां ढूंढने लग जाएगी, आपने ये काम नहीं करा, आपने ये काम नहीं करा, आपने ये काम नहीं करा, या फिर मतलब आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो भाई आप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाओगे, किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, इनकैपेबल हो जाता है, शादी हो जाती है आपके तो ठीक है। हाँ लड़की के मान लो कोई लड़की है शादी हो गई, भाई हस्बैंड ने मना कर दिया काम नहीं करवाएंगे, भैया आपको जो है भाई आप पहले आप जो है नोएडा में रहते थे अब आपकी जो शादी हुई है वो रोहिणी में हुई है, भाई रोहिणी से आप गुड़गांव थोड़ी जाओगे, तो डिस्टेंस का ट्रैवल होता है, कई बार आपको फैमिली का भी इशू रहता है। ठीक है, अब ऑर्गेनाइजेशन को तो भैया काम चाहिए, आपकी शादी के चक्कर में हम अपना शटर थोड़ी बंद कर दें, शादी आपकी हुई है हमारी थोड़ी हुई है, तो ठीक है भैया आप अपनी लाइफ को एंजॉयमेंट करो हम अपनी लाइफ को एंजॉयमेंट करेंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कई बार आपको जो है
अब जैसे मान लो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जैसे मान लो किसी का बेबी हुआ है तो भाई आप इतना टाइम नहीं दे पा रहे, तो उसमें भी थोड़ा सा आपको ये किया जाता है। हाँ, थोड़ा सा टाइम दे दिया जाएगा आपको कि भाई अगर आप एक दो महीने तक मतलब आप जो है पेड लीव आपको दे दी जाएगी कि भाई इवन आपको मैटरनिटी बेनिफिट में आपको पेड लीव आपको मिल जाएंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की। ठीक है, क्या होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग? ह्यूमन रिसोर्स का सबसे जो पहला स्टेप होता है वो कौन सा होता है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होता है। हाँ, इसमें आपको यह ध्यान रखना कि भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा जितने लोगों की जरूरत है उतने लोग हमारे पास होने चाहिए। पहली चीज, राइट प्लेस, राइट पर्सन, राइट क्वांटिटी विद राइट क्वालिफिकेशन। आपको 10 लोगों की जरूरत है, आपके पास 3 लोग हैं, आपको 3 लोगों की जरूरत है, आपके पास 10 लोग हैं। एक्सेसिव जो पर्सन होते हैं वो भी बेकार है, कम पर्सन है वो भी बेकार है। कम पर्सन होंगे तो उसमें वर्कलोड आपका बढ़ जाएगा और ज्यादा पर्सन होंगे तो वो काम नहीं करेंगे। जहां पे 3 लोगों की जरूरत है वहां पे 10 लोग बैठा रहे, आपने क्या करेंगे? आपस में बैठ के बातें करेंगे, वो उसके ऊपर छोड़ेगा, वो उसके ऊपर छोड़ेगा। भाई ऑर्गेनाइजेशन में फिर आपको जो है वो करा जाएगा, ले ऑफ किया जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है ये चीजें आपको देखी जाती हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या होता है कि जहां पर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये डिसाइड करती है कि भाई हमें कितने लोग चाहिए, कितने हमारे पास हैं, अब वो गैप कितना आ रहा है, अब उस गैप को फुलफिल कैसे करेंगे, वो सारा मतलब जो है हर एक डिपार्टमेंट से डेटा कलेक्ट किया जाता है। आपको पूछा जाता है भाई आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की जरूरत है, कितने पर्सन और चाहिए आपको, कितने एट प्रेजेंट है, सबसे डेटा मंगवाया जाएगा। मंगवाने के बाद आपका जो है वो सारा आप प्लानिंग तैयार करोगे, या ऑर्गेनाइजेशन सोच रहे कि भाई हम आपको जो है हम आगे फ्यूचर के लिए जो है कोई प्लानिंग कर रहे हैं, हम आगे ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, तो ठीक है भाई ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या कह देती है? ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं कि भाई हम आगे जो है प्लानिंग के बारे में हम सोच रहे हैं उसके बारे में। ठीक है बेटा, तो यहां पे एचआरपी प्रोसेस इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनाइजेशन एंश्योर दैट इट हैज द राइट नंबर विद द राइट काइंड ऑफ पीपल। राइट काइंड ऑफ पीपल का मतलब क्वालिफिकेशन, ठीक है, राइट प्लेस, राइट टाइम, कैपेबल पर्सन होने चाहिए ताकि आपका जो टास्क है, जो आपके ऑब्जेक्टिव है, वो आप अपने ऑब्जेक्टिव को सही तरीके से आप फुलफिल कर सको। ये सारा एचआरपी का काम रहता है भाई, जितने लोगों की जरूरत है। हाँ जी विजय, आप लिख लीजिए जरा, प्रोसेस लिख लीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है? आपका एक प्रोसेस हो गया जिसमें आपको जितने लोगों की जरूरत है उतने लोग आपके पास हमेशा होने चाहिए, क्योंकि अगर इतने लोग आपके पास नहीं है तो वो आपके लिए दिक्कत है। भाई आपको 10 आदमियों की जरूरत है, आपके पास 3 ही लोग है, तो भाई कैसे काम करोगे? वो काम नहीं हो पाएगा फिर आपका। आपको 3 लोगों की जरूरत है, आपके पास 10 लोग है, तब भी आपका काम जो है आपकी कॉस्ट ज्यादा आएगी फिर इसमें। ठीक है, देखिए इसको हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को मैन पावर प्लानिंग भी बोल देते हैं, जहां पे आप एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें आप ये देखते हो एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोगों की जरूरत है, जितने पर्सन की आपकी रिक्वायरमेंट है, उतने पर्सन हमेशा आपके पास होने चाहिए विद स्किल, विद रिक्वायर्ड स्किल, जो स्किल्स आपको चाहिए वो स्किल्स उनके पास होने चाहिए। ठीक है, तो हाँ मतलब काइंड ऑफ पर्सन, मतलब देखो इसमें क्या होता है कि अलग अलग लेवल पे अलग अलग लेवल की एजुकेशन चाहिए होती है। अब जैसे मान लो आप पीओन हो तो पीओन पे आपको जो अलग अलग तरीके, अब हो सकता है कि जैसे काइंड ऑफ पर्सन में टाइप्स भी आप कह सकते हो कि जैसे आपको मतलब किस टाइप के पर्सन चाहिए, स्किल्ड लेबर चाहिए, सेमी स्किल्ड चाहिए, अनस्किल्ड चाहिए, तो उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, अलग अलग लोगों की जरूरत होती है आपको। ठीक है, तो एचआरपी प्रोसेस इज मैचिंग द, कहने का मतलब यह है कि जितनी हमारी डिमांड है उतनी हमारी सप्लाई भी होनी चाहिए, जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतने हमें हमेशा उतने नंबर आपके पास होने चाहिए। खाली नंबर से ही नहीं, हमेशा उसी टाइम पे मुझे अभी जरूरत है मेरे पास फ्यूचर में है, या फ्यूचर में जरूरत है मैं अभी से रिक्रूटमेंट करके क्या करूंगा। ठीक है, तो वो सारे मेरे पास जो है इन चीजों का ध्यान रखना होता। ठीक है, तो इसमें आपका क्या है? राइट पीपल, राइट कैपेबिलिटीज, राइट टाइम, राइट प्लेस। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्या करनी है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का ही एक काम रहता है। जब तक आप ये काम नहीं करोगे भाई, आपका पास राइट पर्सन होने चाहिए राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे, इन राइट क्वांटिटी। ठीक है, क्वालिफिकेशन वगैरह सब चीजें उनकी सही होनी चाहिए ताकि आपके लिए कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, ये चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए, राइट पर्सन, राइट प्लेस, राइट टाइम, राइट कैपेबिलिटी, इन द राइट क्वांटिटी। ठीक है, हमें 3 लोगों की जरूरत थी, 3 ही है, लेकिन उसमें से कैपेबल एक भी नहीं है, तो क्या करेंगे? ओवर क्वालिफाइड है, वो भी दिक्कत है आपके लिए। ओवर क्वालिफाइड वाले में क्यों दिक्कत है बेटा? डिमांड भी ज्यादा होती है, फिर वो रुकेंगे नहीं। पीएचडी वाला बंदा पीओन के लिए अप्लाई कर दिया, कर दिया था, कर दिया था, तो भैया वो रुकेगा नहीं ना, रुकेगा नहीं।
सबसे ज्यादा दिक्कत पड़ना बेटा हम लोग के साथ में है, सबसे ज्यादा जो समस्या है वो हम लोग के साथ में है। क्यों है हमारे साथ समस्या? छोटी जॉब हम करेंगे नहीं, बड़ी जॉब हमें मिलेगी नहीं, ये फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। आप 10,000 की जॉब करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? पापा ने 10 लाख रुपए फूक दिए एमबीए में 10,000 की जॉब के लिए, नहीं करेंगे, इंसल्ट हो जाएगी। बेटा अगर यही काम करना था तो 12वीं के बाद कर लेते। फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। हम कई बार मतलब ये चीजें आपकी हो जाती है कि मतलब हमें ऐसा लगता है कि भाई आपको जो है थोड़ा सा कैपेबिलिटी मतलब आपको हो जाती है कि भाई आपको जो है थोड़ा सा चीजें हो जाती हैं। हमें ऐसा लगता है भाई एमबीए पास है, कम से कम हमारी इतनी वैल्यू तो नहीं है ना कि भाई हम 10,000 की जॉब करें। देखो वो अब वही वाली बात है कि हम छोटी जॉब हम करेंगे नहीं, बड़ी जॉब हमें मिलेगी नहीं, क्योंकि बड़ी जॉब में चाहिए एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस हमारे पास है नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे बेटा, स्टार्टिंग तो हमें उसी लेवल से करनी पड़ेगी ताकि धीरे। अच्छा हाँ, कई बार क्या होता है कि कई बार हमारा माइंडसेट ये भी कहता है कि बेटा अभी थोड़े दिन के लिए कर लो, 2-4-6 महीने के लिए, फिर जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए नेक्स्ट जॉब पे चले जाना। या हो सकता है कि स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए आपको एडजस्ट करने में, फिर एक बार जब काम सीख जाते हो ना तो चीजें धीरे धीरे फिर आपकी एडजस्टमेंट हो जाती है। स्टार्टिंग में लगता है कि भाई थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन धीरे धीरे जब आप उसमें आते हो। पहले जब भी मैं टीचिंग लाइन में गया था, पहले मैं कॉर्पोरेट में काम किया मैंने 2-2.5 साल मतलब जो कॉर्पोरेट में काम किया, फिर उसके बाद मैं टीचिंग लाइन में आया, ठीक है, एमबीए करी, एमबीए करने के बाद मैंने नेट क्वालिफाई किया, नेट क्वालिफाई करने के बाद मुझे मतलब जो है फिर मैं आपको टीचिंग प्रोफाइल में आ गया, फिर मैं कॉर्पोरेट में नहीं गया, ठीक है, फिर मैं आपका टीचिंग प्रोफाइल में, जब मैंने प्रोफाइल स्विच करी थी मुझे एकदम से मतलब जो है चीजें समझ ही नहीं आती थी, क्योंकि मैंने भाई कॉर्पोरेट में काम किया है, अब यहाँ पे जो है बोलना एक अलग चीज होती है। भाई वहां पे तो क्या था भाई, लैपटॉप लेके जाता था, मैं काम करता था, भाई आपने काम करा अपने आ गए, लेकिन यहाँ पे तो भाई लेवल ही अलग है, चीजें ही अलग है आपकी। फिर धीरे धीरे मतलब ये चीजें मतलब आप जो स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम थी, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको कि मतलब जो है स्टार्टिंग में मतलब जो है एक महीने तक बहुत दिक्कत रही मेरे साथ में, कि एडजस्टमेंट वाली जो दिक्कत है ना वो बहुत मतलब जो है प्रॉब्लम आपकी रही। लेकिन जब मैं कॉर्पोरेट में था तब मुझे लगता था कि दोबारा कॉर्पोरेट में नहीं आना है मुझे, क्योंकि कॉर्पोरेट में एक अलग ही लेवल की टेंशन है, जाने का टाइम है, आने का कोई टाइम नहीं है। मतलब इवन आपका वही वाली बात है, 9 to 6 की मेरी जॉब होती थी, लेकिन 9-10 बजे तक आ रहा हूं मैं घर पे। घर वाले बोलते थे भाई खाना ले जा, बोरिया बिस्तरा ले जा, वहीं रुक जाइयो, घर पे आने की भी क्या जरूरत है। उसके बाद भी पता क्या है, उसके बाद भी आपकी डेडलाइंस होती थी, भाई ये टारगेट पूरा करो, वो टारगेट पूरा करो, घर में आने के बाद खाना खाया 10-11-12 बजे तक, मतलब जो अपने काम करो, फिर सुबह को तुम 6 बजे फिर उठ रहे हो क्योंकि 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, 7 बजे उठ रहे हो, 7 बजे आपने 7-8 बजे आपने घर से निकल लिए, 8:30 बजे आप घर से निकल लिए, 9 बजे ऑफिस पहुंचना है। घर वाले बोले भैया ये कौन सा ड्रामा है तेरा। मतलब उस टाइम पे ना एक बार को मुझे 2-2.5 साल मतलब मुझे खुद को ये फ्रस्ट्रेशन मतलब हो गई थी कि मतलब भैया हमारी जिंदगी क्या है। उस टाइम पे मैं एमकॉम भी कर रहा था, एमकॉम मैंने जो है कॉरेस्पॉन्डेंस से करी है, मैं कॉर्पोरेट में काम कर रहा था, तो उस टाइम पे मतलब मुझे ऐसा लगता था कि भैया कॉर्पोरेट का मतलब अपने आप को भैया तुमने जो है गिरवी रख दिया उनके यहाँ, सुबह 9 बजे आओ, फिर मतलब इधर जो है कुत्ते की तरह भागते हुए 9 बजे तक वहां पहुंचो, फिर उसके बाद मतलब जो है आप 8 बजे छूट रहे हो, 9 बजे छूट रहे हो, जैसे ही तुम्हारा निकलने का टाइम होता था वैसे ही तुम्हारे ऊपर मतलब जो है यमराज जी प्रकट हो जाते थे, हाँ बेटा काम दिखाइए। वो काम दिखाने के चक्कर में आधा घंटा तुम्हारा 1.25 घंटा वहां पे गया, पहले कोई नहीं बोलेगा, लेकिन जब तुम्हारे 6:15 बजेंगे ना तब हाँ जी बताइए सर आपको क्या क्या काम किया, आपने काम दिया गया था, आपने काम पूरा करा, अच्छा कल का काम सुन लीजिए, कल आपको क्या करना है क्या करना है। वो बोलते बोलते मतलब जो है आपको आधा 1.25 घंटा मतलब जो है आपको 1 घंटा आपको लगा देगा। अच्छा फिर उसके बाद किसी की मीटिंग हो रही है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। पहले दिन ना मैं ऐसे चला गया, 6 बज गया, मैं झोला उठा के चला गया। सर मैं भी ऐसे ही आ गई तो मैडम बता क्या कहती है, बेटा ये स्कूल नहीं है तुम्हारा। मैंने मतलब दो वो मुझे पता भैया मैंने 2-2.5 साल कैसे काटे, क्योंकि वही वाली बात है ना, घर में मैं कॉरेस्पॉन्डेंस से कर रहा था, रेगुलर तो मुझे कॉलेज जाना ही नहीं, जो मैंने बीकॉम जो थी वो रेगुलर करी थी, अब भाई बीकॉम करने के बाद मैं क्या करूं, तो ये दिक्कत थी। तो मैंने क्या करा भाई मजे मजे में जो कॉर्पोरेट में जॉब कर ली मैंने पकड़ ली, ठीक है। अब उसमें जब मैं गया
तो मैंने देखा था भैया वहां का तो माहौल ही अलग है, इधर मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस में एडमिशन ले लिया, तो मैं कहा भैया घर में बैठ के करूंगा क्या मैं, तो वहां पे जो वहां पर देखा तो वहां पे एक अलग ही लेवल की टेंशन वहां पे, मतलब जो एक और ही मतलब अच्छा शुक्र है मेरी कॉलिंग प्रोफाइल नहीं थी, कॉलिंग प्रोफाइल वाले डिपार्टमेंट में तो मतलब भैया एक अलग ही लेवल का टेंशन, लोग उसके मतलब ये टेबल टेबल के नीचे घुस घुस के मतलब लोग बात करते हैं, टेबल के ऊपर चढ़ चढ़ के ऐसे मतलब उसपे बात कर रहे थे, मैं कहा ये क्या नौटंकी है, ऊपर ना कॉल उसमें कॉल सेंटर था ऊपर ना, मतलब हमारे जो कॉलिंग प्रोफाइल वाले ऊपर बैठते थे, तो एक बार एचआर मतलब हमें ले गया था उसमें ऑर्गेनाइजेशन विजिट कर रहे थे ना तब वो ले गया था, मैं कहा ये क्या बंदरों की तरह चिड़ियाघर की तरह बैठे हैं सारे के सारे, उसमें सारा रजिस्टर मेंटेन करना, रजिस्टर वगैरह मेंटेन करना, मतलब उसमें मतलब जो है उनको बोल बोल के ना उनको ऐसी आदत हो जाती है कि मतलब हाँ हेलो सर मैं यहाँ से बात कर रही हूँ, मैं नेहा बात कर रही हूँ HDFC से, आपको लोन की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, मैं कहा भैया ये क्या, मैं कहा ये क्या नौटंकी चल रही है, तो बोला भैया हमें सपने भी सीख आते, मतलब उनका अपना फोन तो मतलब फोन से ना इतनी इरिटेशन हो जाती है बहुत ज्यादा, अपना फोन यूज नहीं कर सकते आप, उनका लैंडलाइन यूज करो, आपको लिस्ट दे दी जाएगी 200 कॉल करनी है मतलब करनी है, उनका हर एक बंदे का रिकॉर्ड वो करना, हेलो सर मतलब जो है कोई गाली बक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सबका मतलब जो है रिकॉर्ड मेंटेन करना, अच्छा उसमें पता क्या होता है, उसमें ऐसा सिस्टम होता है कि जैसे ना सबके नंबर कनेक्टेड है, अब जोन सा खाली होगा ना उसकी कॉल उस पर कनेक्ट हो जाएगी, तुरंत कनेक्ट हो जाएगी, मतलब 2 सेकंड के विदिन वरना 15 सेकंड का भी कॉल मतलब आपका जो है उस पर गैप नहीं मिलेगा आपको, मतलब एक कॉल कटी एक कॉल, उसमें पता ये सिस्टम रहता है कि आपकी एक कॉल कटती नहीं आपकी, इतने में मतलब आपकी दूसरी कॉल हो जाएगी, हेलो सर मैं नेहा बात कर रही हूँ HDFC से, हाउ सर मे आई हेल्प यू, हाँ हाँ जी मैम क्या प्लान है, हाँ उसको तो हाँ वही वाली बात है उसको तो हाँ लग रहा है, हाँ जी मैम हम तो नहीं करते, हम तो बोलते सॉरी मैम नॉट इंटरेस्टेड, अच्छा इसमें वो जो है एक बार अगर कोई बदतमीजी से बोला तो उससे बोलो नहीं सर तू सही से बात कीजिए, दो बार तीन बार जब तुम तीसरी बार बदतमीजी करे तब तो उसको काट सकते, हाँ ये मतलब जो है आपको थोड़ा सा वो रहता है, ठीक है अब वो वाली बात है कि जैसे मतलब जेंडर का डिफरेंस हो जाता है, अब इसमें ना बात करने का तरीका देखो अलग अलग होता है, एक फीमेल की कॉल आई है एक मेल के पास तो वहां पे बात करने का तरीका अलग, हाँ जी मैम बताइए मैम, हाँ जी मैम क्या, हाँ जी मैम क्या काम था, ठीक है एक अगर मेल की बात है हाँ नहीं चाहिए तो वो उसमें वो रहता है, उससे ही बात हो रही है, हाँ जी वो बोलेगा 9 बजे तो 9 बजे कॉल कर देगा, इसको 9 बजे कॉल करनी है, तो उसने अपनी वाइफ से बात नहीं कराई, कह रहा भाई हाँ क्या काम है, एक बार भाग चुकी है हाँ क्या काम है, हाँ बताइए क्या काम है, एक जो है ना मेरा एक फ्रेंड था एक उसपे ऐसे वो एक ना उसपे वो थी एक वो रील थी उसपे क्या था वो कहते हैं हेलो सर मैं दिव्या बात कर रही हूँ, अरे दिव्या बहुत दिनों में फोन करा, हाँ खाना वाना खाया कि नहीं खाया, मतलब ठीक है तो वो ये बात है कि हाँ वो कह अरे दिव्या आपने शादी वादी करी कि नहीं करी, अरे तो शादी कर लो कुछ थोड़ा बहुत लाइफ में इंजॉय काम तो होता रहेगा, अच्छा इधर फिर ना एक ड्रामा ये भी रहता है क्योंकि उसको पता सामने वाली लड़की नहीं बोल सकती क्योंकि उसकी कॉल रिकॉर्ड हो रही है, भाई आपको थोड़ी कुछ बोलेगा वो तो उसको बोलेंगे, क्वालिटी वाले कॉल रिकॉर्ड करके सुनते हैं कि आपने स्टार्टिंग की कॉल की तो पहले मॉर्निंग विश नहीं किया, इसमें ये सेविंग प्लान नहीं बताया, लास्ट विक डेट नहीं
हाँ वो ओके हेलो सर थैंक यू सो मच हाउ मे आई हेल्प यू और समथिंग लाइक दैट ओके सर टेक केयर हैव अ नाइस डे आपने रेटिंग्स नहीं बहुत उनकी अलग अलग लेवल के ड्रामे चलते हैं उनके आपने कॉल्स पे कैसे बात करी ठीक है आपकी टोन अलग थी उसमें ये बोला था आपकी टोन अलग थी अब भैया टोन का क्या करें हेलो सर आप मेरी बात तो सुन लीजिए ठीक है देखिए इसमें हमें जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होती है उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है बेटा पहली तो चीज ये कि भाई फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को आप एस्टिमेट कर लेते हो कि भाई फ्यूचर में कितने कितने लोग चाहिए आपको जितने भी हमारे अदर फंक्शंस होते हैं हाँ जी मैडम जितने भी हमारे अदर फंक्शंस होते हैं सबका एक बेस होता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग अगर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग गलत है तो आपका जो है रिक्रूटमेंट गलत सिलेक्शन गलत ट्रेनिंग गलत परफॉर्मेंस अप्रेजल गलत सब चीजें गलत हो जाएंगी जैसे जैसे आपका चेंज हो रहा है चेंज को एडजस्ट करने के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग भी एडजस्ट करनी पड़ेगी अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव होता है आपका इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव का क्या मतलब है यहां पे भैया हम आपको ऑब्वियसली बात है कि हम आपको हायर कर रहे हैं तो एक तरीके से आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना भाई अगर हम आपको हायर कर रहे हैं तो एक तरीके से आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं भाई अगर आप वही वाली बात है कि आप अगर अच्छा निकल आए तो हमारे लिए बढ़िया अगर नहीं निकले तो हमारी गई भैंस पानी में फाउंडेशन फॉर द अदर एचआरएम फंक्शन बाकी जो अदर एचआरएम के फंक्शन है ना लाइक आपका सिलेक्शन ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट डेवलपमेंट वो सब इसी पे बेस्ड होते हैं ये उन सबका बेस होता है कॉपिंग चेंज जैसे जैसे आपके एनवायरमेंट में चेंज हो रहा है आपके सिस्टम में चेंज हो रहा है अपने एम्प्लॉय को और उनके लिए भी आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आपको पता मार्केट में सुनो मेरी बात अगर आपको पता भाई मार्केट में डाउनफॉल चल रहा है तो आप अपने एम्प्लॉय की छटनी कर दोगे निकाल देना ले ऑफ कर देना हटा देना ऑर्गेनाइजेशन पहले बता देगी आपको कि भैया ऑर्गेनाइजेशन काम नाम तो कुछ नहीं हम खुद ही खाली बैठे हम खुद ही मच्छर मार रहे हैं आप क्या करेंगे जाइए कोविड के टाइम में सबसे हाई प्रोफाइल वाले जो लोग थे ना सबसे पहले उनको हटाया गया दो दो तीन तीन लाख रुपए जिनकी सैलरी भैया कहां से दी ऑर्गेनाइजेशन खुद मच्छर मार रही है ऑर्गेनाइजेशन निकाल दिया था उस टाइम पे टाइम ही ऐसा तो घर खर्च चलाने के लिए होता जो है दिक्कत हो गई थी अब सोचो जिसके जिसका ईएमआई है वो ईएमआई कहां से भरेगा अब जैसे मान लो किसी का घर ईएमआई पे चल रहा है किसी की जिंदगी ईएमआई पे चल रही है फोन की ईएमआई चल रही है इसकी ईएमआई चल रही है तो भैया क्या करो एक मेरे फ्रेंड को कॉल आती है कि सर जो है लोन चाहिए आपको तो वो कहता हाँ तो कहता किस लिए कितने अमाउंट का चाहिए तो वो कहता 6 लाख रुपए का तो वो कहती है क्यों कहती है वो लड़का कहता है इससे तलाक चाहिए मेरी वाइफ से 6 लाख रुपए मांग रही है डिवोर्स के दिलवा दो भी तो उसने हाँ फिर उसने उसने बोला कि चलो ठीक है सर हम दिलवा देंगे सिक्योरिटी में क्या रखोगे तो कहते हैं सर इसी को ले जाओ इससे बड़ी सिक्योरिटी क्या होगी कुत्ता खचेड़ी वाली कॉलिंग प्रोफाइल की कुत्ता खचेड़ी की जिंदगी होती है जल्दी मिलती नहीं उन्हें वही वाली बात है देखो वीक ऑफ तो आपको मिलेगा वीक ऑफ तो आपको मिलेगा वो एक वो रील नहीं देखी थी वहां पे मतलब जो है वो दुल्हन जो है वहां पे बैठ के लैपटॉप पे काम कर रही थी शादी की स्टेज पे बैठी है वहां पे लैपटॉप में बैठ के काम कर रही है ये तो कुछ ज्यादा ओवर एक्टिंग हो जाती है जब मैं अपनी शादी के लिए छुट्टी लेने गया था ना मेरे डायरेक्टर क्या कहता है कितने दिन की छुट्टी चाहिए
मैं कहा सर 15 दिन की चाहिए, मैं कहा तो मैं होली के बाद ही आऊंगा, होली से पहले हुई थी मेरी शादी, तो मैं कहा सर तुम होली के बाद ही आऊंगा, अब नहीं आऊंगा बीच में। तो कहता है एक काम करो पेपर दे लो फिर चले जाना। मैं कहा सर पेपर दे लो को मतलब क्या होता, मैं कहा अभी मेरी शादी है 19 तारीख की और 16 तारीख आज हो ही गई है, मैं कहिए कुछ रस्में वगैरह जो होती है अटरम सटरम जो है उसमें वो रहता है। तो बड़ी मुश्किल से छुट्टी हुई उसने, मतलब उसने वो डायरेक्टर बोला कि भाई क्या नाम है, वो कहता है एमबीए तो कर लो पहले उसके बाद शादी कर लेना, ऐसी क्या जल्दी थी। मैं कहता घर वालों ने शादी कर, मतलब जो है शादी की डेट निकाल दी तो मैं क्या करूं। कहता आपको घर वालों को मतलब जो एमबीए के वैल्यू का नहीं पता है। मैं कहा सबको पता है, मैं कहा सबको पता है, मैं क्या वही वाली बात है, मैं कहा घर वाले, मैं कहा वही वाली बात है, घर वाले तो करते हैं एमबीए बाद में कर लियो पहले शादी कर ले। मैं कहा वो 2 साल तक ये जबरदस्ती में रुक गया कि मैंने एडमिशन, मैंने उनको बोल दिया था मैं एडमिशन ले लिया मैंने कम से कम भाई 3-4 लाख रुपए में फूक नहीं सकता। तो मैं कहा वो तब से काफी दिन से सीन चल रहा था, तो गजब सीन था। अब बाकी सारे बच्चे पता क्या बोले, वो भाई तेरी 19 को शादी है तू जाता क्यों नहीं है। उधर डायरेक्टर बोले इतनी जल्दी जाके क्या करोगे, मैं कहा जल्दी, मैं कहा अब नहीं आऊंगा मैं 19 से पहले, मैं नहीं आऊंगा, मैं कहा तुम्हें मतलब जो है बाद में ही आऊंगा। फिर वही वाली बात है कि जब मैं आया मतलब शादी करके जब मैं बाद में आया ना, तो वही वाली बात है कि मेहंदी वगैरह जो तो इतने मतलब जो है मेहंदी खूब रगड़ी मैंने, तब जाके मतलब जो है बड़ी मुश्किल से वो मेहंदी छूटी थी। मतलब ये समझ लो कि मैं शादी के बाद मतलब जो है 10-15 दिन में रुक कर भी आया था, 10-15 दिन मतलब जो है होली करके तब गया था मैं, तभी मेहंदी मेरी छूटी थी। रगड़ रगड़ के मतलब खूब ही रगड़ रगड़ के छुटाई मैंने, पता नहीं क्या। मतलब शुरू में तो इतनी नहीं थी, मतलब जो है जैसे जब मेहंदी लगाई थी ना तो उसपे मतलब तब तो वो ऐसे नहीं, तब तो वो ऐसी लग रही थी, मगर जैसे वो जंग नहीं लग जाती हाथों पे ऐसे करके मतलब वो थी। फिर उसके बाद पता नहीं क्या लगाया उन्होंने, वो मेरी बुआ की लड़की ने पता नहीं क्या लगाया उस पर, पता नहीं वो बोली ऐसे हाथ कर पता नहीं क्या अटरम सटरम उसमें, वो पता नहीं लॉन्ग वोंग पता नहीं क्या उसपे वो करा, इस पे वो कर, उस पे कर, नींबू लगा ले, मिर्च लगा ले। मगर ये ड्रामेबाजी ज्यादा हुआ है नौटंकी, पर मेरी एमबीए बाद में हुई थी, शादी मेरी पहले हो गई थी। है दुर्घटना नहीं, मेरी पूरी एमबीए आई थी। जल्दी मेरी 2017 में शादी हो गई थी। नहीं 2017 में शादी हुई थी हमारी, और बाकी जो मतलब वो अच्छा मेरी पूरी एमबीए में ना मेरी पहला अकेला लगा था जिसकी शादी थी, मतलब पहले पूरी एमबीए में सबसे मतलब पहला नंबर मैंने लगाया था, सबसे पहली शादी जो थी वो मेरी थी। पूरी एमबीए की टीम और पूरा मतलब जो है पूरा मतलब जो टीचिंग स्टाफ, क्योंकि मेरी टीचिंग स्टाफ से ज्यादा बनती थी तो टीचिंग स्टाफ से तो मतलब थी ही थी मेरी, और बाकी जो है पूरी एमबीए हमारी पूरी क्लास मतलब एमबीए की पूरी क्लास आई थी, ठीक है। और बाकी जो है सीनियर स्टाफ मतलब जो उसमें हमारे जो हमसे जो सीनियर थे उसमें से भी 4-6 मतलब जो है लोग आए थे, काफी लोग मतलब आए थे। इतना उदम काटा इन्होंने, इतना उदम काटा वहां पे जाके मुझे ये बोलना पड़ा, मैं नहीं जानता इन्हें, बोले ये कहां से आए हैं। एक मतलब एक वो बंदा था उसके मतलब जैसे रजाई गद्दे पड़े होते ना, उस बंदे को नीचे लिटा के रजाई गद्दे के ऊपर कूदे जा रहे। फिर बाद में ना वो हमारे गांव के जो दादा वगैरह थे ना हमारे, वो बोले ये लड़ेर कहां की है, ये औलाद कहां की है, ये किसकी तरफ से है। फिर मेरे को ये बोलना पड़ा, मैं मुझे नहीं पता कहां से, मैं कहूंगा इन्हीं के रिश्तेदार होंगे कोई, ये बोलना पड़ा फिर मुझे। ठीक है, उसके बाद देखो आपको जो है एक हाईली टैलेंटेड एम्प्लॉय को हायर करना, ये सारा जो काम है वो आपका इसका ही होता है। चलिए उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव आपका जो है सारे इसी में आ जाएंगे कि भाई आपके जो शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, आपके जो एक्सेस भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मतलब जो है आपको ये इंश्योर करना कि भाई जितने रिक्वायर्ड पर्सन है वो आपके पास हमेशा पूरे होने चाहिए। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चीजें, अच्छा टेक्नोलॉजी से हमारी ह्यूमन रिसोर्स पर कोई फर्क पड़ेगा, टेक्नोलॉजी हमारे लोगों की जिंदगियां खा रही है, जितने हम लोग एडवांस होते जा रहे हैं ना उतने ही हमारे जॉब नहीं
जॉब जॉब जो है सारी वो खत्म होती जा रही है, मशीनरी सारा काम कर लेती है। अब आज के टाइम में स्किल्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट है। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं कि वही वाली बात है कि खाली ग्रेजुएशन पीजी खाली किताबें से कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें फैक्ट बताऊं, किताबें कोई नहीं मांगता, कोई नहीं पूछता, खाली ये डिग्री रह गई है, खाली नाम की डिग्री रह गई है, इसके अलावा तुम पे काम आना चाहिए। अगर काम आता है, कैपेबिलिटी है आपके अंदर, तभी आप जो है आगे सक्सेसफुल हो पाओगे। अदरवाइज किसी इन डिग्रियों की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई कोई नहीं पूछता तुमने कहां से करा है, आपको काम कितना आता है ये चीज पूछी जाती है। चलिए एक बार ये प्रोसेस लिख लीजिए। सबसे पहले क्या करोगे, आप ऑब्जेक्टिव डिसाइड करोगे कि भाई ऑब्जेक्टिव क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। हाँ जी, एचआरएम के प्रोसेस की बात करें, वो एचआरएम ये ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का प्रोसेस है, वो एचआरएम का प्रोसेस था। मेरी क्लास खत्म हो जाते हैं ना, मेरे घर में खुशी का माहौल आ जाता है, मतलब सब लोग गेट के बाहर ना ऐसे इंतजार कर रहे होते हैं। हो गई क्लास खत्म, तब वीआईपी वाली फीलिंग आती है। और सबसे गंदा सीन मेरा शादी में हुआ था। मेरी बारात पता है कितने बजे पहुंची थी, 1 बजे रात को, सो गए थे सब, मतलब जो जो गेस्ट वगैरह आए थे ना वो आधे तो लोग मतलब चले गए थे, जिसको मतलब अब यहाँ पे तो शहरों में तो ये सिस्टम रहता है कि भाई सब लोग जो है खाना वाना खा पी के मतलब जो है भाई उसके लिए रुकते, मतलब सगन वगैरह के लिए रुकते। बहुत सारे लोग मतलब जो दूर दूर से आए हुए थे उन्होंने सगन वगैरह लिखवा दिए, वो अपने चले गए। कुछ लोग मतलब जो थे जो इस इंतजार में कर रहे थे एक बार शकल देख लें, फिर उसके बाद वो ये बोलने के लिए थे अच्छा अच्छा भाई साहब हम चलते हैं, फिर वो वाला सिस्टम मतलब वो था। ऐसे बहुत सारे लोग थे मतलब जो लास्ट में। और ये जो हमारे जो जनता पार्टी थी जो हमारे कॉलेज वाली आई थी ये तो पूरी रात रुकी थी, सुबह के मतलब जो 6-7 बजे मतलब ये लोग गए थे। जब वो चले गए ना तब बोली बारात गई। लंबा नहीं हो गया था, मतलब उसमें ये सिस्टम था कि मतलब हम लोग एक तो हमारी बारात गांव से आई थी, ठीक है, गांव से मतलब आनी तो यही गाजियाबाद में थी, लेकिन हम लोगों ने शादी गांव से करी थी क्योंकि यहाँ पे हमारे कम लोग रहते, गांव में हमारे लोग ज्यादा रहते, तो मतलब सबका मानना ये था कि भाई सब जो है पहली शादी मतलब तुम्हारी है, मतलब सिस्टर की शादी भी थी काफी टाइम पहले, उसके बाद दूसरा नंबर मतलब हमारा ही था, तो उसमें ये था कि भाई जो है शादी जो है गांव से कर लो, भाई सब लोग आ जाते हैं, सब लोग शामिल हो जाते हैं, गांव में एक अलग ही चहल पहल होती है। तो मैं कहा ठीक है भैया कर लो। फिर वहां से हमारी बारात आई थी, बारात तो हम लोग 5:30-6 बजे आ गई थी यहाँ पे लाल कुआ पे। फिर उसके बाद उस दिन ना वो था मतलब एक कावड़ यात्रा वाला मतलब वो चल रहा था, और उस टाइम पे इतना जाम मतलब लगता था पैदल अगर जाता ना तो जल्दी पहुंच जाता, बहुत जाम था। मतलब मेरी वाइफ मैसेज करके पूछती है कि कितनी देर में आ रहे हो, मैं कहा हम तो ये लाल को आ गए, मैं आधा घंटा लगेगा, ठीक है। और वो कहते हैं यार मैं तो अभी पार्लर में जा रही हूँ, ठीक है। तो मैं क्या तो कहते है कि क्या नाम है जो है चलो ठीक है। फिर उसके बाद वहां से फिर देखा मतलब इतना जाम, वो तो हम रॉन्ग साइड पे थे, फिर 1-2-3 बंदे ना ऐसे लगे थे हटो हटो भाई साहब दूल्हा बैठा है इसमें, हटो हटो भाई साहब गाड़ी हटाओ इसको निकल जाने दो। तो एक बंदा बैठा अबे दूल्हा बैठा था क्या चढ़ा के ले जाएगा इसके ऊपर। कहता दूल्हा बैठा था क्या उड़ के ले जाएगा क्या, जाएगी तो इसी रास्ते से, मतलब रॉन्ग साइड में भी जाम लगाओ, इधर से भी जाम लगाओ, हाईवे भी जाम पूरा, मतलब कम से कम 4-5 घंटे ने मतलब ऐसा हो गया बिल्कुल। मैं तो बस वही वाली बात है, एक बार तो मैं ये भी बोल रहे थे मैं काम करो वापस ले लें यहां से। गजब ही सीन मतलब वो था। मैं पहुंच गया, फिर उसके बाद एक हमारे पीछे एक गाड़ी आ रही थी, उस गाड़ी में कैमरामैन बैठा था। अब वो हमारे मतलब किसी जान पहचान के बंदे ने रिश्तेदार ने क्या करना, वो कैमरामैन को उतार के ना उसको बोल दिया बस आ रही है बस में बैठ जा, कैमरामैन को उतार के बस में बैठा दिया। अब मैं पहुंच गया पहले, अब बस अब छोटी गाड़ी तो हमारी निकल गई थी भाई, हम जो स्विफ्ट डिजायर थी वो तो हमारी निकल गई, अब बस इतनी जल्दी कहां से निकल जाए, हम तो पहले भी वैसे भी रॉन्ग साइड में थे, अब बस हमसे बहुत पीछे, हम बस कम से कम थी हमारी 3-4 किलोमीटर पीछे, हम तो फिर भी आगे निकल गए थे, रॉन्ग साइड में थे हम लोग फिर भी आगे निकल गए। और अब वो कैमरामैन पीछे रह गया, अब वो सारे उसको ढूंढे, इस गाड़ी में था उस गाड़ी में था, यहां रह गया वहां रह गया।
फिर एक बंदा भेजा बाइक लेके कि उसको कैमरामैन वाले को बुला के लेकर आओ, फिर वो आया और तब उसने जो है दोबारा से सेटअप वगैरह करा, फिर वो बाजे वाले उठाए, उठो उठो बारात आ गए, सो गए थे नहीं, वो तो वही वाली बात है, वो इसीलिए रुक गए थे क्योंकि उनके पैसे नहीं दिए थे हमने, चले जाते वो, मतलब उनका सिस्टम ये था कि जैसे मतलब उसमें ना दो तरीके की वो होती है, मतलब दो तरीके की बुकिंग होती है, एक होती है 6 से 8:30 बजे तक की और एक होती है 8:30 से 10 बजे तक की, ऐसा करके इनका टाइम पीरियड होता है, मतलब दो एक दिन में दो शिफ्ट करते हैं ये, तो 8:30 बजे तक इनकी खत्म हो जाती है, फिर ये कुछ बारात ऐसी होती है 8:30 बजे से चढ़नी स्टार्ट होती है, तो ये ऐसा सिस्टम था, तो हमने ना इस वाली बुकिंग में वो करा था। अब वही वाली बात है कि अब तो हम पहुंचे ही 1 बजे थे, तो इनकी शिफ्ट का टाइम क्या, मतलब उसमें एक और चढ़ा देते इतने में ये, अब ये आके ये तो खर्राटे मार के सो रहे थे, फिर एक बोला उसमें ओए बारात आ गई, फिर तो मतलब वही वाली बात है, बोला भाई साहब हमारे पैसे दे दो, हम तो जा रहे हैं, पापा बोले पैसे दे दो 35-40 हजार रुपए के हमने मतलब वो करे थे, उसमें 10 हजार रुपए दिए थे उनको और बाकी 30 हजार रुपए तो उनके रह रहे थे, तो बोला भाई ऐसा है देखो बेइज्जती हो जाएगी हमारी, बहुत बोला अंकल जी आप लेट आए उसमें हमारी क्या गलती है, तो पापा बोले भाई एक काम कर घुड़चड़ी तो करवा, ठीक है चल ज्यादा नहीं कम से कम इनको तो बता दो कि गुड़बग्गी आई है, ठीक है फिर वही वाली बात है, फिर तो चलो चलो जल्दी, नाचने वाला कोई था नहीं, सब लोग सो गए वही देखो अब 40,000 नहीं गए, वो हमारे जो अपने थे वो तो थे ही नहीं क्योंकि वो तो पीछे अटके हुए थे, भाई कुछ ही लोग 2-3 गाड़ियां तो आ गई थी बस, मतलब जो है हमारी गाड़ी आ गई थी, हमारे पीछे 2 गाड़ी और थी वो आ गई थी, बस इतने लोग थे 10-15 लोग मतलब जो है वही लोग थे, अब उसमें से भी कुछ लोग कहीं लग गए कुछ लोग कहीं लग गए, अब वही मतलब जो है उसमें से हमसे ज्यादा तो बैंड वाले दिख रहे थे फिर जल्दी जल्दी करके फिर कि मतलब चलो 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 ले चलो ले चलो ले चलो, फिर उसके बाद फिर तो मतलब ऐसा हुआ था, अच्छा ये हो गया चलो 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 यहाँ चलो, अच्छा ये हो गया चलो यहाँ बैठो जल्दी से, फिर क्योंकि और भी कई सारे काम होते हैं ना, फिर तो मतलब वही होता जल्दी जल्दी मतलब, फिर हमारे आशीर्वाद में कम से कम एक डेढ़ घंटा उन्होंने लगा दिया, वो भी जल्दी जल्दी वाला सिस्टम था, एक एक साथ में 2-3 बंदे मतलब बंदे जो है मतलब उस पे वो हुए थे देखो सबसे पहले आप क्या करोगे कि भाई आपके जो ह्यूमन रिसोर्स जब आप प्लानिंग करते हो ना, तो प्लानिंग में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप ये देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव के बाद आपका जो है ये चीजें कि जो ह्यूमन इन्वेंट्री कितनी है, इन्वेंट्री मतलब अभी आपके पास स्टॉक कितना है, कितनी आपकी डिमांड है, डिमांड के बाद आप क्या करोगे, गैप कितना आ रहा है, जैसे मान लो 50 लोग हैं अभी आपको और 150 लोगों की रिक्वायरमेंट है, 100 लोग अभी चाहिए तो गैप कितना है 100 पीपल्स का, उसके हिसाब से प्लान बनाइए, प्लान बनाने के बाद आप जो है उनको जो है जितना भी आपने प्लान को आप एग्जीक्यूट कीजिए डेवलप कीजिए, उसके बाद अपना रिक्रूटमेंट सिलेक्शन वगैरह ये सारा काम करोगे आप, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं आपको ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को, कुछ हमारे एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं कुछ हमारे इंटरनल, क्या ये बंद होगी, चलो कोई बात नहीं, देखो कुछ हमारे इंटरनल फैक्टर होते जो कंपनी के अंदर के होते हैं, कुछ हमारे एक्सटर्नल फैक्टर होते जो कंपनी के बाहर के होते हैं, बाहर के मतलब जैसे हमारा बिजनेस एनवायरमेंट कैसे चल रहा है, इकोनॉमी कैसे चल रही है हमारे, और हमारा एक्सटर्नल एनवायरमेंट क्या चल रहा है, कंपनी की पॉलिसी क्या है, तो ये सारी चीजें आपके जिसमें पर्सनल एनवायरमेंट हमारा जितना भी है ना वो सारा आपका इसमें आ जाएगा। इंटरनल वाले में क्या है, इंटरनल वाले में कंपनी के जो है टाइम हॉरिजन कितना है, कितने टाइम के लिए चाहिए, क्वालिटी क्या चाहिए, कंपनी की पॉलिसीज क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, और आपके एचआर की पॉलिसीज क्या है, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी आपकी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास के लिए टॉपिक लिख लो जरा, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, नेक्स्ट क्लास में आपका जो है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन हो जाएगा।